The events, characters, and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities, or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. Nandu, hospital ke saamne kardo ki fufu krr raha hai. Pihu bhi mar hai andar hai. Kya hoa babi ko? Wahi ortuwali bhi mari. Ortuwali bhi mari. Kharcha aتنا cigarette kitna ki? 10 rupee ki. 1000 rupee ki. Aur jaan mein kitni badi? एक और है मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं क्या बक रहा है देख मौत, मौत और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी <laughs> हसमत दो सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है उससे बचा सकती और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है यानी कि मौत के पैसे से दो जिंदगी खरीद सकता है तू एक अपनी और एक अपनी बीवी की सोच और बस हीरो पीने में नहीं है, ये देने में माँ को भगवान ले गए पापा ने खुद की जान ली उदार ने बना दी और भारी किराए छोला भाटिया सब कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम पक तो उड़ा देना समझी थी बारे अशोक का मर्डर सुबह 9:00 बजे रिपोर्ट हुआ इस महीने का तीसरा हादसा बॉडी वॉज लाइफलेस न्यूटलीट अशोक अपने हथियारों को देखा तक नहीं मैं जरूरी बस इसलिए कि अशोक हम से एक ही क्राइम छोटा नहीं हो जाता देख देख मुझे मेरी राखी पहनता है ना तू मेरे प्रोटेक्शन में है, तुझे मैं कुछ भी होने नहीं दूंगी कभी भी मूवी जिगरा का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ और इस टीजर के आते ही धमाका हो गया टीजर वीडियो में आलिया धुआंधार एक्शन करती नजर आ रही है जहां हिंदी फिल्मों में भाइयों का बहनों को बचाना ज्यादा पॉपुलर एंगल रहा है वहीं जिगरा में एक नया एंगल है इस मूवी में आलिया अपने भाई को बचाने के मिशन पर है जिगरा के टीजर में आलिया का एक्शन और डायरेक्टर वासन बाला का इंटेंस सीन के साथ बहुत इमोशनल गाना यूज करना तुरंत जनता को हिट कर गया टीजर आने के साथ ही सोशल मीडिया पर जिगरा हॉट टॉपिक बन गई है जिगरा की टीजर में आलिया के भाई बने वेदांग रैना एक जेल में नजर आते हैं जो इंडियन जेल नहीं लगती टीजर के हिसाब से ये कहानी ये लगती है कि आलिया का भाई किसी विदेशी जेल में फंस गया है और भाई को छुड़ाना आलिया का मिशन है टीजर में ये आइडिया देखने के बाद पुरानी मूवी फैंस को श्रीदेवी की मूवी गुमराह याद आ जाएगी मूवी की कहानी में श्रीदेवी का कैरेक्टर अपने एक रिश्तेदार के घर पलता है क्योंकि उसका पिता गायब हो जाता है और माँ बुरी तरह बीमार रहती है जिगरा में आलिया के किरदार का डिस्क्रिप्शन भी कुछ ऐसा ही है गुमराह में श्रीदेवी बड़ी होकर सिंगर बनती है और हांगकांग में उनके साथ धोखा हो जाता है वो ड्रग्स के आरोप में जेल चली जाती हैं। मूवी में संजय दत्त एक छोटे मोटे चोर बने हैं और श्रीदेवी से उनका तगड़ा प्रेम है जेल में फंसी श्रीदेवी को संजय हर शर्त पर छुड़ाने की कसम खा लेते हैं और क्लाइमेक्स में काफी एक्शन भी होता है इस मूवी के लिए श्रीदेवी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था पुराने मूवी फैंस को तो जिगरा की कहानी देखकर श्रीदेवी की याद आ गई है मगर बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि आलिया की मूवी गुमराह का ही रीमेक है जहां गुमराह में लड़की जेल में फंसती है और उसका प्रेमी उसे विदेशी जेल से बचाने जाता है वहीं जिगरा में लड़का जेल में फंसा है और उसकी बहन उसे जेल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है जिगरा की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट 1993 में पैदा हुई थी और इसी साल श्रीदेवी की गुमराह रिलीज हुई थी ये तो केवल संयोग की बात है लेकिन आलिया का श्रीदेवी की मूवी से एक रियल तगड़ा कनेक्शन भी है गुमराह के डायरेक्टर आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट थे दोनों फिल्मों के बीच दो पीढ़ियों का एक और कनेक्शन है जिगरा को करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रही है गुमराह भी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी थी और उसे करण के पिता ने यानी यश जोहर ने प्रोड्यूस किया था आलिया की जिगरा श्रीदेवी की जिस मूवी गुमराह का रीमेक है वो खुद एक ऑस्ट्रेलिया की मिनी सीरीज बैंकॉक हिल्टन पर बेस्ड थी इस सीरीज़ में हॉलीवुड निकोल किडमैन ने लीड रोल निभाया था इस कहानी में भी निकोल का लीड किरदार ड्रग्स के आरोप में जेल में फंसता है इसी कहानी को गुमराह के लिए यूज किया गया था लेकिन जहाँ ओरिजिनल कहानी में निकोल का किरदार खुद जेल से निकलता है और बदला लेता है वहीं गुमराह में लड़की के किरदार को प्रेमी का सहारा दिया जाता है आलिया भट्ट की मूवी जिगरा का पहला टीजर ट्रेलर आया है इस मूवी को मर्द को दर्द नहीं होता वाले वासन बाला ने बनाया है जिगरा को कारण जौहर ने अपने बैनर धर्मा के तले प्रोड्यूस किया है जब पिछले साल ये मूवी अनाउंस की गई थी तब से जनता में हाइप बनने लगी थी पहली वजह तो मूवी के डायरेक्टर वासन बाला है उन्होंने अब तक जितना भी काम किया क्वालिटी डिलीवर की है दूसरी तरफ आलिया भट्ट भी बीते कुछ सालों से अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट कर ही रही हैं। जिगरा के टीजर ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये सिनेमा घरों में माहौल बना देगी टीजर के शुरुआत में आलिया भट्ट का किरदार किसी से कह रहा होता है कि कैसे उनके पेरेंट्स नहीं है जिस रिश्तेदार ने पन्हा दी उसने फिर कुछ बहुत ही गलत किया इस दुनिया में अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ अपना छोटा भाई है छोटे भाई का रोल वेदांग रैना ने किया है किसी वजह से वो विदेशी जेल में बंद है अब आलिया का कैरेक्टर कुछ भी करके उसे वहां से निकालना चाहता है एक जगह मनोज पाहवा का किरदार कहता है कि बच्चन नहीं बनना है सिर्फ बच के निकलना है इस पर आलिया कहती है अब तो बच्चन ही बनना है मेकर्स ने टीजर में फूलों का तारों का गाने को रिक्रिएट किया है ये वर्जन वेदांग रैना ने ही गाया है ये ओरिजिनल गाना साल 1971 में आई मूवी हरे कृष्णा हरे रामा में था मूवी में देवानंद और जीनत अमान भाई बहन थे कहानी यही थी कि एक भाई अपनी बहन को ढूंढने और उसे बचाने निकल पड़ता है वहाँ जीनत के किरदार को ड्रग से बचाने की कोशिश करता है जिगरा में इसी नैरेटिव को फ्लिप कर दिया गया है यहाँ बहन एक भाई को बचाने निकली है टीजर का सबसे मजबूत पक्ष है कि ये मूवी विजुअली फ्रेश और ओरिजिनल लगती है ज्ञानी ज्ञानी-ध्यानी बहस कर सकते हैं कि ओरिजिनल जैसा कुछ भी नहीं होता और हायर चीज एक दूसरे से किसी ना किसी तरह प्रेरित है लेकिन जैसा फ्रेंच न्यू वेव जनक गोदार ने कहा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां से कुछ लिया है फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं जिगरा के कुछ शॉट्स देकर किसी जापानी एक्शन मांगा की याद आती है मांगा एक खास तरह की डिजाइन करने वाली कॉमिक्स होती है बाकी टीजर को इतने कायदे से काटा गया है कि पूरी कहानी का कोर इमोशन भी आप तक पहुंचता है लेकिन आपको किसी किरदार के, के नाम तक की भनक नहीं पड़ती वो जिज्ञासा बनी रहती है कि ये लड़की खुद से इतना सब कुछ कैसे करेगी बता दें कि ड्रिगरा ग्यारह अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है अक्टूबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बमचक होने वाला है काहे से इस महीने बड़े पर्दे पर एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार बड़ी फिल्म रिलीज के लिए रेडी है खास बात यह है कि चारों एक से बढ़कर एक फिल्में हैं बड़े बजट की बड़ी स्टार्स की बड़ी फिल्में मेकर्स भले ही इन फिल्मों के क्लैश से घबराए हुए हो मगर जनता तो खुश है क्यों? क्योंकि उसके पास देखने के लिए चार चार ऑप्शंस जो है कौन सी ये चार फिल्में आइए जानते हैं जिग्राव विकी विद्या का वो वाला बैड विडास रवि कुमार वेटन अब देखना होगा इन चारों फिल्मों में से जनता अपना प्यार किस पर लुटाती है वैसे तो अमूमन फिल्मों के क्लाश से मेकर्स बचते आए हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी फिल्मों का टकराव किसी भी बड़ी मूवी से पड़ता है।, है कि ज्यादातर फिल्मों का क्लैश ही हो रहा है कमाल की बात तो ये है कि क्लैश के बावजूद फिल्में अच्छा कर रही है इसका हालिया एग्जाम्पल सानी देओल की गदर टू और अक्षय कुमार की पंकज त्रिपाठी की ओ एम है दोनों एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों ने अच्छा परफॉर्म भी किया था अब इस साल दिवाली भी दो बड़ी फिल्में टकराने वाली है अजय देवगन की सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया मेकर्स भले ही क्लैश क्लैश करें मगर इन क्लैश से जनता की मौज तो हो ही जाती है आलिया भट्ट और वेदांग रैना की मूवी टिगरा 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है वासन बाला के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का टीजर 8 सितंबर को आया जिसमें आलिया का पावरफुल रोल लोगों को भा गया भाई बहन के रिश्तों को दिखाती इस मूवी में आलिया कमाल का एक्शन करती नजर आएंगी ये जेल तोड़कर भाई को बचाने वाली इस मूवी में हिट होने का पोटेंशियल रखती है फिर वासन बाला की बनाई पहली दो फिल्म में मर्द को दर्द नहीं होता और मोनिका ओ माई डार्लिंग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तो जिगरा से भी लोगों को काफी उम्मीदें होंगी राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर 12 सितंबर को आया है जिसे भयंकर रिस्पॉन्स मिला है लोग कह रहे हैं कई सालों बाद ऐसी फुल कॉमेडी मूवी आई है मूवी के चलने की दो मेजर वजह के दो लीड कास्ट भी हैं पहले राजकुमार राव जिनकी हाल ही में आई मूवी स्त्री टू ने खूब नोट छापे दूसरी तृप्ति डिमरी जिनके पिछले साल आई एनिमल से उन्हें बहुत ज्यादा हाइप मिल गई आलिया के साथ राजकुमार का क्लैश काफी दमदार है जहां आलिया भट्ट की मूवी जिगरा राजकुमार की मूवी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो आ रहा है वहीं इसी दिन एक और मूवी लाइन में है हिमेश रेशमिया के गाने तो धमाल कर ही रहे हैं अब कई साल बाद वो बड़े पर्दे पर बतौर एक्टर कम्बा करने जा रहे उनकी मूवी का नाम है बैड एस रवि कुमार इसका ट्रेलर तो लोगों को कुछ खास नहीं लगा मगर क्या पता मूवी अपने बढ़िया कंटेंट के दम पर चल निकली हिमेश रेशमिया की इस सब पिक्चर को डायरेक्ट भी खुद हिमेश ने ही किया है ये मूवी भी 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में उतारी जाएगी मूवी 11 अक्टूबर को रिलीज के लिए अनाउंस हुई थी मगर अभी तक इसे लेकर कोई सुखबुगाहट नहीं है इसलिए ये तय नहीं कहा जा सकता कि ये मूवी 11 अक्टूबर को ही आएगी जिगरा विद्या का वो वाला वीडियो बैड रवि कुमार और लास्ट वन इज वेट ये जो मूवी है दस ये 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज हो रही है रजनीकांत और अमिताभ बच्चन सिनेमा जगत के दो धुरंधरों की ये तमिल मूवी वेटियन सबसे बड़ा कंपटीशन है टीजे ज्ञान वील के डायरेक्शन में बनी इस मूवी में बहुत पाजल और राना दगुबाती जैसे एक्टर्स भी है ये कहना गलत नहीं होगा की इस पिक्चर का पलड़ा सबसे ज्यादा भारी है मूवी का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर दे रहे हैं इसका म्यूजिक और स्टार कास्ट जनता को अपनी तरफ लुभाने के लिए काफी है जिगरा मूवी में हरे रामा हरे कृष्णा के गाने फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है लिया गया है ये गाना आर डी बर्मन द्वारा रचित और जिसे किशोर कुमार ने गाया था साथ ही इसके बोल आर डी बर्मन और आनंद बख्शी ने लिखे थे जिगरा में गाने का संगीत अंजित ने फिर से गाया है और इसके बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे हैं। जिगरा के अलावा आलिया भट्ट वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स मूवी अल्फा में भी नजर आएंगी जिसकी शूटिंग लगातार जारी है इन दोनों फिल्मों के अलावा आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र 2 और संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में भी नजर आएंगी जिगरा में आलिया सत्या के कैरेक्टर में एक बहन और वेदांग रहना अंकुर के कैरेक्टर में एक भाई के कैरेक्टर में नजर आएंगे सत्या अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए मनोज पावा के कैरेक्टर की मदद लेती है टीजर ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि ये मूवी एक्शन से भरपूर और इमोशन से भी भरपूर होगी आलिया भट्ट इन दिनों अपनी मूवी जिगरा की रिलीज के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है हाल ही में वेदांग रैना के साथ इस एक्शन थ्रिलर के कुछ पोस्ट और टीजर ट्रेलर लॉन्च किए गए इन सभी पर आलिया भट्ट को रिश्तेदारों और परिवार से बहुत प्यार मिला वहीं अब मूवी जिगरा को लेकर आलिया की मां सोनी राजदान और आलिया भट्ट की सासू मां नीतू कपूर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम की स्टोरी पर आलिया को सपोर्ट करते हुए उनकी इस मूवी के लिए सबसे प्यारी बात कही है 10 सितंबर 2024 को नीतू कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जिगरा से आलिया भट्ट का पोस्टर शेयर किया पोस्टर में आलिया कैमरे की तरफ देखते हुए बेहद भावुक नजर आ रही है नीतू ने अपनी इंस्टा स्टोरी के बैकग्राउंड में मूवी का म्यूजिक भी लगाया और लिखा हमारा जिगरा अपना पाने के लिए निकला है आलिया की मां सोनी राजदा ने भी जिगरा के टीजर ट्रेलर की तारीफ की इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा ये एक अनोखा टीजर है पूरी मूवी देखने का और इंतजार नहीं कर सकी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है दिलजीत दो सांझ पहले पंजाबी फिल्मों या म्यूजिक एल्बम्स में अपनी आवाज का जादू चलाते थे लेकिन आज उनकी डिमांड बॉलीवुड फिल्मों में भी काफी बढ़ गई है करीना कपूर खान मूवी क्रू के बाद अब दिलजीत ने आलिया भट्ट की मूवी जिगरा में अपनी आवाज दी है वसंत बाला के निर्देशन में बनी आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी जिगरा को लेकर बस बना हुआ है भाई बहन के प्यार पर बेस्ड मूवी का टीजर ट्रेलर तो काफी पसंद किया गया है अब इसका गाना भी धमाल मचाने वाला है जिगरा के पहले गाने का टीजर आउट हो गया है जिगरा के पहले गाने का टाइटल चल कुड़िए है जिसे टैलेंटेड सिंगर एक्टर दलजीत दो ने गाया है आलिया भट्ट ने गाने का टीजर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है गाने के लिरिक्स और म्यूजिक बहुत ही दमदार है टीजर शेयर करते हुए आक्रोश ने कैप्शन में लिखा आपका जल्द होने वाला है जिगरा के चल कोड़िये गाने को लेकर से, से तक हर कोई, हर कोई कोई एक्साइटेड है। नेहा धूपिया ने पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा सबसे परे एक ने कहा एक बार फिर किलर कॉम्बिनेशन वही एक फैन ने कहा मेरे दो परफेक्ट एक फ्रेम में एक यूजर ने लिखा मैं एक और कुड़ी का इंतजार नहीं कर सकता पहले एक कुड़ी यानी उड़ता पंजाब का गाना और अब चल कोड़िये एक और ने लिखा इंतजार नहीं कर सकता जिगरा का दो मिनट फोर्टी नाइन सेकेंड का टीजर ट्रेलर बेहद ही शानदार रहा है जिगरा मूवी ग्यारह अक्टूबर को सिनेमा घरों में आ रही है रिलीज होने के बाद से चल कुे ट्रैक को लोग काफी पसंद कर रहे हैं गाने के वीडियो में दिलजीत दो व्हाइट आउटफिट में नजर आए वही आहलिया ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है जिस पर घर शब्द लिखा है आलिया की मूवी का ये गाना विमेन एम्पावरमेंट की थीम पर बना है फैंस इस गाने को काफी पसंद कर रहे हैं हाल ही में जिगरा का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें आक्रस की परफॉर्मेंस ने सभी को सभी को हैरान कर दिया था मूवी में आलिया तावर तोड़ एक्शन करती नजर आ रही है टीजर की शुरुआत आलिया भट्ट से होती है जो होटल में ड्रिंक करती रहती है इस दौरान मनोज पाहवा से कहती है माँ को भगवान ले गए पापा ने खुद की जान ले ली दूर की रिश्तेदार ने पना दी और भारी किराया वसूल किया छोड़ो ना भाटिया साहब कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत कम वीडियो में दिखाया गया है कि वेदांग रैना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आलिया उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही है टीजर में आलिया ताबड़ तोड़ फायरिंग करती हुई भी नजर आई उन्होंने कार में बैठकर भी कई एक्शन सीन्स किए हैं जिग्रा की कहानी काफी इमोशनल है मूवी में आलिया अपने भाई की जान बचाने के लिए हर मुश्किल हर खतरे से लड़ जाती है वो एक बहन नहीं बल्कि बड़ा भाई बनकर अपने सारी निभाती है मूवी में आलिया के भाई का कैरेक्टर अभिनेता वेदांग रैना ने निभाया है वहीं इसे धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है दिलजीत दो इस वक्त अपने दिल मिनाटी इंडिया टूर को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है इंडिया में पहला कॉन्सर्ट 26 अक्टूबर को दिल्ली में शुरू होगा इसके बाद हैदराबाद, अहमदाबाद लखनऊ पुणे कोलकाता और भी कई शहरों में ये कॉन्सर्ट होने वाला है दिलजीत के इस टूर का आखिरी कॉन्सर्ट 29 दिसंबर को गुवाहाटी में होगा इस गाने को ने खूब प्यार दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त की है कॉमेंट्स ऐसे कि पूछो मत आलिया ने दिलजीत के साथ मिलकर दिल लिया से लेकर सहयोग की ऊर्जा और गायन की तालमेल की प्रशंसा तक शामिल है ऑडियंस ने उनके पिछले काम को भी याद किया जिसमें उड़ता पंजाब के हिट एक कुड़ी पर उनके सफल सहयोग का उल्लेख किया गया है दिलजीत दो सांझ और आलिया भट्ट का ये गाना हरमनजीत सिंह ने लिखा है मनप्रीत सिंह इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर हैं वसंत बाला द्वारा निर्देशित जिगरा भाई बहन के बीच के रिश्ते की भावनात्मक कहानी है जिसमें एक्शन और ड्रामा दोनों ही है वेदांग रैना की मुख्य भूमिका वाली ये मूवी पहले 27 सितंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब ये 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में आएगी आलिया भट्ट हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं। वो मौजूदा दौर की सबसे बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक है आलिया ने अपनी बहुमुखी अभिनय क्षमता से अपना लोहा मनवाया है अभिनेत्री ने साल 2012 में करण टूहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था इसके बाद से ही वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। अपने अभिनय के किरदार में जान डाल देने वाली अभिनेत्री ने भी बॉडी मिथ से जुड़ी समस्याओं को झेला है हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री ने इसे लेकर अपने संघर्ष के बारे में विस्तार से बात की आलिया ने अपनी हॉलीवुड मूवी हार्ट ऑफ स्टोन के प्रमोशन के दौरान अपनी नागरिकता को लेकर कंफर्मेशन दी थी प्रमोशन के दौरान कल करोट ने आलिया से उनकी सिटीजनशिप के बारे में पूछा तो आलिया ने कंफर्म किया कि उनके पास ब्रिटिश नागरिकता है आलिया भट्ट इन दिनों अपनी आगामी मूवी जिगरा को लेकर बहुत ही बिजी चल रही हैं। इस बीच उन्होंने शेयर किया कि चाहे उन्होंने कितना भी वजन कम कर लिया हो वो अभी भी बॉडी इमेज जैसे मुद्दे से जूझ रही है अभिनेत्री ने बताया की उनके दोस्त अक्सर उन्हें डाइट फॉलो करने के लिए सलाह देते हैं लेकिन उन्हें अपनी सेल्फ इमेज को लेकर चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ा मैगजीन के साथ बातचीत के दौरान आलिया भट्ट ने मूवी इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों का जिक्र किया उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक के अपने सफर पर विचार किया उन्होंने खुद को एक गोल मटोल लेकिन एक ऐसी बच्ची के रूप में बताया जिससे तब अपनी शक्ल सूरत से कोई समस्या नहीं थी आलिया की डाइटिशियन डॉक्टर सिद्धांत भार्गव है इन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान आलिया को बहुत ही अच्छे से गाइड भी किया था इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्वीकार किया कि अभिनय में आने के बाद उनका नजरिया बदल गया उन्होंने बताया कि वजन कम करने के बाद भी वो बॉडी से, से में दोस्त कहती थी कि आलिया तुम्हें डाइटिंग बंद कर देनी चाहिए बस शांत रहो थोड़ा जियो थोड़ा खाना खाओ मैं ऐसा ही सोचती थी कि एक बार जो मोटा हो गया वो हमेशा मोटा ही रहेगा मैं चाहे जितना भी वजन कम कर लू मैं अपने दिमाग में हमेशा यही कहती रहती थी शिगरा अभिनेत्री ने आगे कहा कि अपनी गर्भ अवस्था के दौरान उन्होंने अपने नजरिए में बदलाव को फील किया उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्हें अपने शरीर के प्रति गहरा सम्मान महसूस हुआ इस एहसास ने उन्हें ये समझा दिया कि इंडस्ट्री में होने के बावजूद वो अब अपने रूप रंग की आलोचना नहीं करेंगी या अतिरिक्त तो वजन या निकले हुए पेट के बारे में चिंतित नहीं होंगी बात करें आलिया के वर्क फ्रंट की तो वो आगामी मूवी लीजigram में नजर आएंगी इस मूवी में वो वेदांग रैना के साथ काम कर रही है इसके अलावा वो यशराज की जासूसी पर आधारित मूवी अल्फा में भी काम कर रही है इसके साथ ही उनके पास सैंड्रे लीला भंसाली की लव एंड वॉर भी है आलिया भट्ट बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट फिल्म मेकर महेश भट्ट और एक्ट्रेस सोनी राजदान की बेटी हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी वो अक्षय कुमार की मूवी संघर्ष में नजर आई थी इसके बाद उन्होंने साल 2012 में आई कारण रोहर की मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की और आज भी वो करण रोहर की फेवरेट बनी हुई है तभी तो ड्रिगरा भी उन्हीं के साथ बना रही हैं। इसके बाद इम्तियाज अली की हाईवे से उन्हें पहचान मिली शादी के बाद कई खबरें आई कि आलिया मैरिज और बेबी के बाद इंडस्ट्री में काम करेंगी या नहीं तो आई ये भी जानते हैं 2022 की बात है आलिया अपनी मूवी डालिंग के प्रमोशन में बहुत ही बिजी थी तो प्रमोशन में इसके इर्द गिर्द सवाल पूछा जाना लाजमी है लेकिन हुआ ये कि ऐसे ही एक इंटरव्यू में उल्टे आलिया ने ही एक सवाल पूछ लिया सवाल के बदले सवाल आलिया ने हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में पूछ लिया कि परिवार या बच्चे हो जाने से उनकी प्रोफेशनल लाइफ पर क्यों असर पड़ना चाहिए इसके साथ ही आलिया ने एक ज़रूरी बात और की आलिया भट्ट ने महिलाओं पर आई गैर जरूरी स्पॉटलाइट को कॉल आउट किया कहा कि महिलाएं जो कुछ भी करती हैं वो हेडलाइन बन जाती हैं चाहे वो माँ बन जाए या किसी को डेट करने लगे किसी क्रिकेट मैच या छुट्टी पर चले जाए न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से आलिया ने कहा एक महिला जो कुछ भी करती है वो सुर्खियों में आ जाती है चाहे उसने मां बनने का फैसला किया हो वो किसी को डेट कर रही हो कोई क्रिकेट मैच देखने गई हो या किसी हॉलिडे पर गई हो किसी ना किसी वजह से निगाहें हमेशा महिलाओं की चॉइसेस पर रहती है मैं असल में वो करना चाहती हूँ जो मेरा दिल कहे मैंने यही किया है आज तक अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में और चीज़ें मेरे लिए अच्छी तरह से काम कर रही है आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ शादी के दो महीने बाद अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की थी ये भी न्यूज़ है कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कुछ के लिए बिग न्यूज़ थी प्रेगनेंसी के बारे में पूछे जाने पर आलिया ने कहा था बेशक मैं यंग हूँ लेकिन कुछ भी बदलने की ज़रूरत क्यों है एक परिवार हो जाने से या बच्चा हो जाने से मेरे प्रोफेशनल जीवन पर क्यों बदलाव होगा ये पूरी तरह से दो अलग चीज़ें हैं मैं ऐसी बातों पर ध्यान देने के बजाय एक मिसाल बनना चाहूँगी मेरे लिए ऐसी बातें करने वाले लोग केवल यही दिखाते हैं कि उनकी सोच क्या है वो जीवन में कहाँ है इन बातों का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं जीवन में कहाँ हूँ असल में मैंने अपने जीवन में बहुत सारे फैसले खुद लिए हैं आलिया के कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं मसलन गैल गेडॉट के साथ उनका हॉलीवुड डेब्यू हार्ट ऑफ स्टोन भी था नेटफ्लिक्स मूवी डार्लिंग्स थी जिसे आलिया ने प्रोड्यूस भी किया था गौरी खान और गौरव वर्मा के साथ इसके अलावा उनकी लिस्ट में रणबीर कपूर अमिताभ बच्चन मोनी रॉय और नागार्जुन के साथ ब्रह्मास्त्र पार्ट टू भी है वहीं पिछले साल ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी रिलीज हुई थी जो की बहुत ही धमाकेदार रही इस सबके अलावा आलिया फरहान अख्तर की जीली में भी दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ के साथ आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आज इंडस्ट्री के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक है उनके साथ उनकी बेटी राहा कपूर भी है दोनों स्टार्स के साथ साथ उनकी बेटी राहा को भी फैंस का ढेर सारा प्यार मिलता है आए दिन आलिया अपनी सोशल मीडिया पर राहा और रणबीर की तस्वीरें शेयर करती ही हैं पिछले साल सऊदी अरब में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान गंगू अभिनेत्री आलिया ने अपने पति और जीवन साथी रणबीर कपूर से मिलने की दिल को छू लेने वाली स्टोरी शेयर की इकतीस वर्षीय अभिनेत्री ने इवेंट के दौरान बताया कि कैसे उन्होंने एक फिल्म सेट पर रणबीर से पहली बार मुलाकात की जब ये सिर्फ नौ साल की थी उन्होंने बताया कि इस वक्त उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिससे मिली हैं वो हो एक दिन उनके पति बनेंगे आलिया ने आगे कहा कि कैसे उनकी पहली मुलाकात में ही रणबीर पे क्रश हो गया था रेड कार्पेट इवेंट के दौरान 30 वर्षीय अभिनेत्री ने रणबीर के साथ अपनी पहली मुलाकात की कहानी साझा की उन्होंने बताया कि मूवी सेट पर हुई इस मुलाकात के दौरान उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी शादी रणबीर से हो जाएगी आलिया भट्ट का प्यार रणबीर के लिए किसी से नहीं छुपा है साल 2012 में जब आलिया अपनी डेब्यू मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के प्रमोशन के लिए कॉफी विद करण में वरुण और सिद्धार्थ के साथ आई थी तब भी एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने रणबीर से शादी करने की अपनी इच्छा जताई थी आलिया ने बताया कि ये याद उनके लिए बहुत ही यादगार है उन्होंने बताया कि कैसे उस समय वो केवल संजय लीला भंसाली को देख रही थी क्योंकि वो उनके निर्देशन की बहुत बड़ी फैन थी मैंने रणबीर की तरफ देखा तक नहीं मेरा ध्यान केवल संजय सर की तरफ था तब रणबीर केवल नाइनटीन ईयर्स के थे और फिल्मी दुनिया में डेब्यू नहीं किया था आलिया ने यह भी बताया कि कैसे उनकी माँ उस ऑडिशन के लिए सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि वो संजय लीला भंसाली की मूवी के थी बाद में रणबीर ने साल 2007 में आई मूवी सावरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया जो संजय द्वारा निर्देशित थी साल 2022 में आलिया ने भी संजय के साथ मूवी गंगूबाई में काम किया फिलहाल आलिया रणबीर और विक्की संजय लीला भंसाली की आने वाली मूवी लव एंड वॉर में एक साथ नजर आएंगी साल 2022 दो 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 में दोनों स्टार्स ने एक फैमिली गैदरिंग में शादी कर ली जिससे उनकी एक प्यारी बेटी रहा भी हुई आलिया और रणबीर की कुल संपत्ति लगभग 855 सीआर है बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों बेटी राहा के साथ कई जगहों पर स्पॉट की जाती रहती हैं आलिया ने अपने करियर में कई सारे बड़े अभिनेताओं जैसे वरुण धवन सिद्धार्थ मल्होत्रा रणवीर सिंह के साथ काम किया है लेकिन उन्होंने बड़े पर्दे पर अपने सह कलाकार का नाम साझा किया है बताया है कि किस अभिनेता के साथ उनकी केमिस्ट्री शानदार रही है

ते हुए नजर आए उन्हें अपना नाम लेने का सुझाव देते हैं इसे एक कठिन सवाल बताते हैं अभिनेत्री ने शुरू में रणवीर का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बीच बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री है फिर आलिया ने अपना जवाब बदलते हुए कहा वारिया यानी वरुण और आलिया के प्रशंसक बहुत परेशान होंगे वरुण और मेरे बीच सबसे अच्छी केमिस्ट्री है वरुण के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है रणवीर ने इस पर आलिया को तंज करते हुए कहा कि दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम तो। आलिया ने बातचीत के दौरान अपने पति रणबीर कपूर को लेकर भी बात की आलिया ने कहा कि रणबीर समय के पाबंद आदमी हैं वहीं रणवीर सिंह बहुत ही अच्छा डांस करते हैं वर्क फ्रेंड की बात करें तो आलिया जिगरा अल्फा लव एंड वॉर फिल्मों में नजर आने वाली है बता दें कि आलिया स्टूडेंट ऑफ द ईयर बद्रीनाथ की दुल्हनिया कलंक हमती शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं इन फिल्मों में आलिया को काफी पसंद भी किया गया है हीरा डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने जब से अपनी अगली मूवी लव एंड वॉर अनाउंस की है तब से जनता और इंडस्ट्री की नजर इसी पर टिकी हुई है इसकी सबसे बड़ी वजह है मूवी की कास्ट लव एंड वॉर में बॉलीवुड की मौजूदा जनरेशन के तीन सबसे दमदार कलाकार रणबीर कपूर आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक साथ आने वाले हैं ये बताया जा चुका है कि इस मूवी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव ट्रायंगल वाली कहानी होगी हाल ही में मेकर्स ने यह भी अनाउंस कर दिया कि लव एंड वॉर 2026 को ईद पर रिलीज़ होगी भंसाली लंबे समय बाद तक लव स्टोरी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं और इसके लिए एक्साइटमेंट इतनी है कि मूवी ने रिलीज से पहले ही सॉलिड कमाई का इंतजाम कर लिया है पेंकोला की एक रिपोर्ट के अनुसार लव एंड वॉर के लिए भंसाली ने तगड़ी नॉन थिएट्रिकल डील कर ली है इस मूवी को वो खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और किसी स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप नहीं करने वाले रिपोर्ट में बताया गया कि संजय लीला भंसाली ने अपनी मूवी के लिए वो मॉडल फॉलो किया है जो यश और रेड जैसे बड़े स्टूडियो अपनाते हैं उन्होंने मूवी के फ्लोर्स पर जाने से पहले ही नेटफ्लिक्स के साथ एक पोस्ट थिएट्रिकल डील साइन कर ली है उन... उनकी म्यूजिक डील भी लगभग फाइनल ही है एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि लव एंड वॉर के लिए नेटफ्लिक्स से पोस्ट थिएट्रिकल डील साइन की जा चुकी है इस डील को बेस प्राइस वन हंड्रेड थर्टी सी आर और मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस में से और भी आगे बढ़ सकती है भंसाली को म्यूज़िक के लिए सारे गा से पैंतीस करोड़ मिले हैं जबकि एक है लीडिंग नेटवर्क से मूवी की सैटेलाइट डील को लेकर चर्चा चल रही है जिसे पचास करोड़ के करीब मिल सकते हैं सूत्र ने कहा लव वन वॉर का नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू टू थाउ आई I मीन mean, टू हंड्रेड फिफ्टीन सी आर रुपये के करीब पहुंचने की उम्मीद है नेटफ्लिक्स ने हीरा मंडी की कामयाबी देखते हुए भंसाली की मूवी प्रीमियम प्राइस में खरीदी है रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भंसाली ने जहाँ नॉन थिएट्रिकल डील से मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर की है वहीं एक्टर्स को मिलने वाली फीस बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस से तय होगी तीनों लीड एक्टर्स रणबीर कपूर आलिया भट्ट और विकी कौशल ने फंसाली के साथ बाकैन डील साइन की है सबसे ज़्यादा शेयर रणबीर को मिलना है भंसाली मूवी के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए भी एक अमाउंट लेकर चल रहे हैं और रिलीज़ के बाद ओवरफ्लो शेयर खुद के लिए रखना चाहते हैं फिल्म के थिएट्रिकल राइट शेयर तीनों एक्टर्स के लिए फीस की तरह होंगे क्योंकि नॉन थिएट्रिकल राइट से प्रोडक्शन की कॉस्ट निकल चुकी है सूत्र ने बताया बताया जा रहा है कि लव एंड वॉर का बजट 200 करोड़ के करीब होगा क्योंकि भंसाली एक बड़े स्केल पर मूवी बनाना चाहते हैं उनकी मूवी के प्लॉट में युद्ध भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा और वो ऐसे वॉर सीक्वेंस प्लान कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं बनाए गए बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त और श्रीदेवी की मूवी को रिलीज हुए साल हो गए 1993 में आई इस मूवी के निर्माता या शोहर थे तो महेश भट्ट ने निर्देशन किया था श्रीदेवी और संजय दत्त के अलावा अनुपम खेर सोनी राजदान राहुल रॉय भी इस मूवी में महत्वपूर्ण भूमिका में थी श्रीदेवी को जब महेश भट्ट ने इस मूवी का ऑफर दिया तो एक्टर का नाम सुनते ही परेशान हो गई थी श्रीदेवी और संजय दत्त स्टारर क्राइम ड्रामा मूवी में दोनों की जोड़ी को बहुत ही पसंद किया गया था लेकिन इस मूवी की मेकिंग के दौरान दोनों स्टार्स के बीच एक दूसरे को लेकर काफ़ी कड़वाहट थी मीडिया की खबरों की माने तो दोनों के बीच शूटिंग सेट पर काफ़ी झोक होती ही रहती थी इसके पीछे की वजह ये थी कि श्रीदेवी मजबूरी में संजय दत्त के साथ काम कर रही थी मीडिया की खबरों के मुताबिक संजय दत्त एक जमाने में श्रीदेवी के जबरदस्त फैन थे ये उन दिनों की बात है जब श्रीदेवी का जलवा फिल्म इंडस्ट्री में था और संजय अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे संजय किसी भी तरह से श्रीदेवी से मिलने के लिए बेकरार थे एक बार उनके दोस्तों ने बताया कि श्रीदेवी मूवी की शूटिंग कर रही है श्रीदेवी और जितेंद्र की मूवी हिम्मत वाला की शूटिंग चल रही थी सुनील दत्त और नरगी जैसे बड़े कलाकार की बेटी संजय दत्त श्रीदेवी से मिलने पहुंच गए सेट पर जब श्रीदेवी नहीं दिखी तो संजय उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके कमरे तक पहुंच गए कहते हैं कि संजय जब पहुंचे तो उनकी आंखें नशे में लाल थी और नशे में इस कदर धुत थी कि उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था श्रीदेवी एक्टर को इस हालत में देखकर डर गईं। एक्ट्रेस ने आवाज़ लगाकर संजय को बाहर निकलवाया और कसम खा लिया कि जिंदगी में कभी इस इंसान से ना मिलेंगी और ना ही काम करेंगी लेकिन समय का फ़ेर देखिए एक वक्त ऐसा आया कि संजय दत्त की तूती फिल्म इंडस्ट्री में बोलने लगी कहते हैं कि संजय और श्रीदेवी को लेकर एक फिल्म जमीन बन रही थी एक्ट्रेस ने मेकर से इस मूवी को साइन करते वक्त शर्त रखा कि संजय के साथ एक भी सीन नहीं होना चाहिए हालांकि मूवी किसी वजह से डिब्बे में बंद हो गई आलिया भट्ट की एक्शन थ्रिलर मूवी पूरी तरह से गुमराह का अडाप्शन नहीं है मूवी में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जैसे गुमराह में मुख्य अभिनेता अपने लवर के लिए लड़ता है लेकिन जिगरा में आलिया भट्ट अपने भाई को बचाती हुई दिखाई देगी मूवी की कहानी को भाई बहन के रिश्ते पर है गुमराह 1990 का दशक भारत सिनेमा के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है इस दौर की शुरुआत दिल जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी से हुई और अंत हम दिल दे चुके सनम जैसी सुपरहिट लव स्टोरी से इस समय में बॉक्स ऑफिस पर कई रोमांटिक फिल्में छाई रही जैसे सागर नाशिक की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है 1993 में बाजीगर जैसी रिवेंज ड्रामा ने ऑडियंस का ध्यान खींचा लेकिन उसी साल एक और मूवी आई जो उतनी चर्चा में नहीं रही लेकिन उसने जितनी दारी थी मिलनी चाहिए थी वो तो नहीं मिली ये मूवी थी गुमराह जिसमें श्रीदेवी मुख्य भूमिका में थी गुमराह की कहानी पूरी तरह से श्रीदेवी के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है बचपन से ही वो सभी ऐशो आराम में पली बढ़ी लेकिन उन्हें केवल उनके पिता के प्यार की कमी महसूस होती थी वो अपनी नानी और माँ के साथ रहती थी लेकिन उनके पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती थी माँ की मौत के वक्त श्रीदेवी को एक बड़ा राज पता चलता है और कहानी में मोड़ आता है ये कोई साधारण मूवी नहीं है जैसे महेश भट्ट की डायरी यहाँ ट्विस्ट के साथ कहानी आगे बढ़ती है एक सफल सिंगर बनने के बाद श्रीदेवी एक ड्रग्स राकेट में फंस जाती हैं और मौत की सजा का सामना कर रही होती है हांगकॉन्ग में फंसी हुई श्रीदेवी को संजय दत्त की मदद मिलती है जो एक छोटा मोटा चोर और स्ट्रीट फाइटर है को देखने की सबसे बड़ी वजह श्रीदेवी का शानदार एक्टिंग और महेश भट्ट का बेहतरीन निर्देशन मूवी में सोनी राजस्थान और अनुपम खेर की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है मूवी पर उपलब्ध है अगर आप इसे अब तक नहीं देखे हैं तो देख लो तो इसे आज ही देख लीजिए श्रीदेवी को जब महेश भट्ट ने इस मूवी को ऑफर दिया तो वो संजय दत्त का नाम सुनते ही परेशान हो गई थी वो नहीं चाहती थी कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करें क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद से श्रीदेवी उनका शकल तक नहीं देखना चाहती थी श्रीदेवी संजय को देखकर कर वहाँ इस कदर डर गई थी कि जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर किसी तरह संजय को वहां से बाहर निकाला गया था एक इंटरव्यू में जब संजय से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था मैं उनके कमरे में गया जरूर था लेकिन मैंने वहाँ उनसे क्या बात की कैसे बर्ताव किया मुझे कुछ भी याद नहीं है इस घटना के बाद श्रीदेवी ने तय किया था कि वो कभी भी संजय के साथ काम नहीं करेंगी डायरेक्टर महेश भट्ट गुमराह मूवी पर काम कर रहे थे उन्होंने मूवी में पहले ही संजय को कास्ट कर लिया था जब वे श्रीदेवी के पास पहुंचे ऑफर लेकर तब तो पहले तो उन्होंने मूवी से संजय को निकलवाने की कोशिश की लेकिन जब कामयाबी हासिल नहीं हुई तो आखिरकार उन्हें मूवी साइन करनी पड़ी खबरों की तो गुमराह के के सेट का माहौल थोड़ा अलग रहता था। श्रीदेवी और संजय बीच पूरी तरह से बन थी। को लेकर के मन में बाद वो दूर चली जाती थी बता दें कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है हाल ही में आलिया भट्ट और वेदांत मूवी जिगरा का टीजर जारी किया गया जिससे ऑडियंस जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है इस भावनात्मक रूप से गहन मूवी को लेकर ऑडियंस काफी एक्साइटेड नजर आ रही है टीजर की काफी तारीफ भी की जा रही है फिल्म के निर्देशन वासन बाला को दर्शकों समेत कई फिल्मी हस्तियों से तारीफ भी मिली वासन बाला काफी प्रतिभाशाली निर्देशक है उन्होंने इससे पहले बतौर निर्देशक मोनिका माय डार्लिंग मर्द को दर्द नहीं होता आदि फिल्म में निर्देशित की है बतौर निर्देशक तो वो शानदार हैं ही बतौर लेखक भी उन्होंने कई शानदार फिल्मों की कहानी भी लिखी साल 2021 में रिलीज हुई इस मूवी को कबीर खान ने निर्देशित किया था मूवी स्पोर्ट्स ड्रामा है जो साल 1983 में भारत क्रिकेट टीम द्वारा क्रिकेट विश्व कप जीतने की यात्रा पर बेस्ड है इस मूवी को साजिद नारियाडवाला और मधु मंटेना द्वारा बनाया गया मूवी रणवीर सिंह दीपिका पादुकोन हारी संधु साकिब सलीम एम एने कलाकार नजर आए थे इस मूवी की कहानी का भी वसंत बाला ने संलेखन किया है दंत कथाओं जैसी अविश्वसनीय किंतु अद्भुत घटना भी इंडियन क्रिकेट टीम का 1983 वर्ल्ड कप जीतना जाहिर है जब तो इस कहानी पर मूवी बनी तो उम्मीदों का आसमान छूना लाजमी था क्या कबीर की एटी उन उम्मीदों को पूरा कर पाती है हा ये जानते हैं सबसे पहले तो ये बता दें कि हमने किसी इ लिंक से मूवी नहीं देखी बाकायदा मीडिया वालों के लिए आयोजित प्रेस शो देखा गया था तो रिलीज से पहले कैसे देख ली टेलीग्राम पर आ गई क्या जैसे सवालों पर ब्रेक लगाइएगा ऐसा डिस्क्लेमर के साथ मूवी पर बात शुरू होती है फिल्म नहीं टाइम मशीन है एटी थ्री ऐसी मूवी थी जिसकी कहानी के बारे में हमें चाह भी कोई स्पॉयलर नहीं दे पाएंगे पूरी कहानी हम सबको बता है लेकिन जो पता है उसे पर्दे पर पेश कैसे किया गया है ये बात अहम है हैं हैं। और फ्रंट पर 83 सेंचुरी लगाती है 83 का वर्ल्ड कप हमारी यादों का हिस्सा है हम में से ज्यादातर लोगों ने यह वर्ल्ड कप देखा नहीं है हमने उसके बारे में या तो आर्टिकल्स पढ़े हैं या तस्वीरें देखी हैं या फिर यूट्यूब पर उपलब्ध वीडियो फुटेज को देखा है लेकिन इन सब तरीकों से हमने सिर्फ जानकारी हासिल की है एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में अवेयर हुए लेकिन उन पलों को जीना कैसा रहा होगा ये हमको नहीं पता कबीर खान की एटी थ्री हमें करवा कर उस दौर में ले जाती है और पौने तीन घंटे आप वो पूरा टूर्नामेंट जीतते हैं ये इस मूवी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है मर्द को दर्द नहीं होता मर्द को दर्द नहीं होता ये उनकी दूसरी मूवी है हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी मूवी है ये मूवी साल 2018 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी का निर्देशन वसन बाला ने किया है निर्देशन के साथ साथ उन्होंने इस मूवी की कहानी भी लिखी है मूवी का निर्माण रॉनी स्क्रू वाला ने आर एस वी पी मूवीज़ के बैनर तले किया है मूवी से अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी इस मूवी में उनके किरदार को जन्मजात एनालोजीजा नामक एक दुलभ बीमारी से

अनुराग कश्यप के साथ संयुक्त तो रूप में लिखी है फिर आता है हमारा बॉम्बे वेलवेट साल 2015 में रिलीज हुई इस मूवी में रणबीर कपूर अनुष्का शर्मा और करण जौहर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे ये एक पीरियड गैंगस्टर मूवी है जिसका निर्देशन और सहनिर्माण अनुराग कश्यप ने किया है मूवी का निर्माण विकास बहल विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा किया गया है इस मूवी की कहानी में भी वसन बाला बतौर लेखक अपना योगदान दिया है उन्होंने इस मूवी की कहानी का अन्य लेखकों के साथ सहलेखन किया है बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मूवी ट्रिकरा का टीजर ट्रेलर रविवार को रिलीज हुआ इसमें दी आर चीज मूवी से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले वेदांग रैना नजर आएंगे उन्होंने मूवी में आलिया के भाई का कैरेक्टर निभाया है जो किसी वजह से जेल की सलाखों के बीच रहे है और आलिया उन्हें बचाने के लिए जी जान लगा देती है इस मूवी का डायरेक्शन वासन बाला ने किया है वासन बाला ने अब श्रद्धा कपूर और उनके फैन से माफी मांगी क्यों क्योंकि उन्होंने स्त्री टू की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया था

दाग नहीं किया था लेकिन इसके बावजूद श्रद्धा ने उनकी मूवी की तारीफ की बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट आज किसी के मोहताज नहीं है लेकिन महेश जितना अपनी फिल्मों की वजह से चर्चा में रहते उतना ही वो अपनी निजी जीवन और विवादों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे फिर वो परवीन बॉबी के साथ उनके रिश्ते रहे हों या फिर उन पर लगते संगीन इल्जाम दैनिक भास्कर की कर एक रिपोर्ट के मुताबिक महेश भट्ट ने अब तक 47 फिल्मों और चार टीवी शोज को डायरेक्ट किया है उन्होंने बत्तीस फिल्में और चार टीवी शोज प्रोड्यूस किए इसके अलावा बत्तीस फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी वो देश के पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने खुद की जिंदगी से प्रेरित 5 फिल्में बनाई हैं जिनमें से तीन फिल्में अभिनेत्री परवीन बॉबी के साथ उनके रिश्ते पर फिल्म आई गई जो अर्थ आशिकी फिर तेरी कहानी याद आई जख्म और वो लम्हे हैं सितंबर 1948 को को मुंबई में, में महेश भट्ट एक दिन उनकी मां ने कहा पैसे लेकर आना, वरना घर मत आना। उनके पिता नाना भाई करियर पर महबूब स्टूडियो पहुंच गए जब वो अंदर प्रवेश करने लगे तो उन्हें वॉचमैन ने रोक दिया उनसे उससे झूठ बोला राज खोसला साहब ने बुलाया हालांकि उस झूठ ने उन्हें राज खोसला के दफ्तर में एंट्री ही नहीं करवाई बल्कि उन्हें उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने का मौका भी मिला करियर की शुरू ही किया था कि एक दिन एक स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट कार्यक्रम के दौरान उनकी नजर ब्रिटिश मूल की अनाथ लड़की लॉरेन ब्राइट पर पड़ी वो उसे देखते ही रह गए उसे दोबारा देखने के लिए वो स्कूल का दीवार फांद गए लेकिन पकड़े गए प्रिंसिपल ने पूछा तो सॉरी सच्चाई बताई सॉरी वॉरी बोल के जिसकी वजह से लॉरेन की दादी को बुलाकर उसे स्कूल से निकाल दिया गया ऐसे में लॉरेन की की दादी ने महेश से अपनी अनाथ जिम्मेदारी लेने के लिए कहा महेश ने बिना देरी किए लॉरेन का दाखिला एक बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया वहीं उस समय तक वो लाइफ बॉय और दादा जैसे विज्ञापन बनाने लगे जब इक्कीस वर्ष लॉरेन की पढ़ाई पूरी हो गई तो महेश ने साल 1970 में उनसे शादी कर ली शादी के लिए लॉरेन हिंदू धर्म अपनाकर किरण भट्ट हो गई थी शादी के दो साल बाद कपल के घर बेटी पूजा का जन्म हुआ उधर महेश भट्ट ने तकरीबन चार पाँच साल तक राज खोसला को आ, असिस्ट कर रहे थे उनके मौके की तलाश थी जो साल 1974 में उन्हें मूवी मंजिले और में भी मिली बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने का उन्हें मौका मिल गया हालांकि अभी महेश को वो कामयाबी नहीं मिल पाई थी जिनकी वो वेट कर रहे थे तभी उन्होंने पहली बार खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी को देख लिया और देखते ही रह गए आगे महेश के भाई मुकेश भट्ट ने परवीन को अपनी मूवी में कास्ट किया जो महेश की बतौर प्रोड्यूसर पहली मूवी थी ये मूवी तो पूरी नहीं हो पाई मगर महेश भट्ट और परवीन बॉबी जरूर एक दूसरे में से काफी नज़दीक आ गए थे कुछ समय बाद दोनों एक साथ रहने लगे समय बीतता गया परवीन का बर्ताव बदलने लगा वो अजीब हरकतें करने लगी वो कुछ भी बकती वो मुझे मार देंगे और अकेले में बातें करती कई बार महेश उनकी हालत देखकर घबरा जाते थे। महेश उन्हें डॉक्टरों के पास ले गए तब पता चला कि परवीन पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं महेश टूट गए थे अभी उनके खाते में इक्का दुक्का फिल्म ही आई थी वहीं परवीन के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी तक को छोड़ दिया था लोगों ने उन्हें समझाया तो वो परिवार के पास लौट आए मगर परवीन को बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास भी ले गए इस बीच कुछ समय के लिए परवीन की हालत में थोड़ा सुधार आया उधर महेश भट्ट की साल नाइनटीन में रिलीज हुई मूवी नया दौर और साल नाइनटीन में आई लहू के दो रंग ने उन्हें इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार कर दिया था मगर परवीन की हालत फिर बद से बदतर होती जा रही थी डॉक्टर्स ने शॉक ट्रीटमेंट देने की सलाह दी लेकिन महेश इसके खिलाफ थे और उन्हें शहर से दूर बांग्लोर ले गई डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि परवीन के साथ उनकी जान को खतरा भी है बाद में जब महेश समझ गए कि अब परवीन ठीक नहीं हो सकती तब साल नाइनटीन में भी उनसे दूर हो गए हालांकि साल 2005 में जब महेश भट्ट को पता चला कि परवीन अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई हैं और कपूर अस्पताल में परवीन के कोई भी रिश्तेदार उनके पार्थिव शरीर को लेने नहीं पहुंचे तो उन्होंने खुद उनके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उठाई थी खैर परवीन से अलग होने के बाद महेश ने पूरा फोकस अपनी फैमिली और करियर को दिया उन्होंने अपनी अधूरी प्रेम कहानी पर साल 1982 में मूवी अर्थ लिखी और डायरेक्ट की जिसे तीन फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे साल 1983 में फिल्म सारांश लिखी और डायरेक्ट किया जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड में और ऑस्कर के लिए भी भेजा गया मूवी सारांश बनाने के दौरान ही महेश भर की मुलाकात सोनी राजधान से हुई जो मूवी की लीड हीरोइन थी उस समय तक महेश को शराब की लत लग चुकी थी मगर वो सोनी राजदान से शादी करना चाहते थे महेश की पत्नी किरण ने उनके फैसले का विरोध किया महेश किरण को छोड़ना नहीं चाहते थे ऐसे में उन्होंने सोनी के इस्लाम धर्म पर अपना लिया और साल 1986 में परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली शादी के दो साल बाद जब सोनी ने बेरी शाहीन को जन्म दिया तो महेश शराब पी कर उसे देखने पहुंचे और उसी समय शराब को हाथ ना लगाने की कसम खाई आगे महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट को फिल्म डायरी में लॉन्च किया जिसके लिए उन्हें फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला साल 1990 में जब महेश ने अपनी और किरण की प्रेम कहानी पर मूवी आशिकी बनाई तो बेटी पूजा को किरण का रोल प्ले करने को कहा मगर पूजा ने व्यवस्था बताकर कर दिया ऐसे में महेश ने मॉडल अनु अग्रवाल को मूवी में लिया और राहुल रॉय और दीपक तिजोरी को लॉन्च किया ये मूवी सुपरहिट रही और अनु और राहुल रातों रात स्टार बन गए मूवी का गाना नजर के सामने के लिए गायिका अनुराधा पौरवाला को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इसके अलावा भी अन्य तीन पुरस्कार मिले पूजा भट्ट को आशिकी ठुकराने का मलाल शायद हमेशा रहे जिसकी भरपाई पिता महेश भट्ट ने आमिर खान के साथ दिल है कि मानता नहीं से कर दी ये मूवी सुपरहिट रही जो पूजा भट्ट के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई महेश भट्ट ने पूजा के साथ सड़क जुनून फिर तेरी कहानी याद आई तड़ी पार और चाहत जैसी ग्यारह फिल्में और बनाई महेश ने कोणाल खेमू अतुल अग्निहोत्री जॉन अब्राहम ईशा गुप्ता नेहा शर्मा कंगना रनौत सोनल चौहान और सुष्मिता सेन जैसी कई एक्टर्स को इंडस्ट्री में लॉन्च किया इसके अलावा अनुपम खेर सदाशिव अमरापुरकर अमरा पुरकर बिपाशा इमरान हाशमी मलिका शराव शमिता शेट्टी अध्ययन और प्रशांत नारायण जैसे कलाकारों के करियर को संवारने का काम भी इन्होंने ही किया इंडस्ट्री में एक सफल डायरेक्टर के अलावा उनका विवादों से भी नाता रहा जिया खान और सुशांत की मौत से भी उनका नाम जोड़ा गया वहीं कंगना रनौत से लेकर कई एक्टर्स ने उन पर अपने अपने इल्ज़ाम लगा चुके हैं मगर उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो योगदान दिया है वो काबिल तारीफ है महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के उन नगिनों में से एक रहे जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से खुद को तराशा और हर तरफ अपनी चमक बिखेरी नाना भाई भट्ट और शरीन मोहम्मद अली के घटन में महेश भट्ट ने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी सी उम्र में उन्हें अपनी किस्मत खुद से लिखने का जिम्मा संभालना पड़ेगा महेश भट्ट की गिनती आज बॉलीवुड के हिट फिल्म मेकर्स में होती है अपने करियर में उन्होंने हर तरह की फिल्में बनाई जिनमें अर्थ और ज़ख्म से लेकर डैडी और नाम जैसी फिल्में शामिल हैं लेकिन जब महेश पर डायरेक्टर बनने के लिए घर से निकले थे तो माँ ने यह भी कह दिया था कि पैसा कमा ही घर लौटना वरना मत आना। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर को हुआ है और इस मौके पर हम लोग जानेंगे उनका बेहतरीन कैसा जब माशीरी ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था लेकिन महेश भट्ट ने कड़ी मेहनत से हाथ की रेखाएं बदल डाली और ख़ुद किस्मत लिखी एक सच और एक झूठ से उन्होंने अपने फिल्मी करियर के रास्ते खोले और आज करोड़ों के मालिक हैं महेश भट्ट के पिता कभी उनके साथ नहीं रहे उनके माँ बाप की शादी नहीं हुई थी दरअसल महेश भट्ट के पिता पहले से ही शादीशुदा थे इसलिए उन्होंने कभी आज की माँ को पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं इस वजह से महेश भट्ट को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा लोग उन्हें नाजायज औलाद कहकर बुलाती थी महेश भट्ट ने टाइम्स को बताया था कि उनके पिता का एक अलग ही परिवार था वो घर आते थे तो कभी जूते नहीं उतारते थे क्योंकि वो उनके साथ कभी ठहरते ही नहीं थे लेकिन फिर भी उनके माँ बाप के बीच प्यार बहुत था पिता बेटे महेश भट्ट और उनकी माँ की सिर्फ आर्थिक रूप और अन्य चीज़ों के जरिए मदद करते थे महेश भट्ट भी गुजारे के लिए स्कूल के दिनों में छोटे मोटे काम करके पैसे कमाते थे यहाँ तक कि उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के विज्ञापन भी बनाए थे जब माँ ने महेश भट्ट को बिना पैसा कमाए घर लौटने से मना किया तो उनके आगे भी दुविधा खड़ी हो गई थी ये 1968 से 69 की बात है तब महेश की उम्र 19 इयर्स के आसपास थी महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट जाने माने फिल्मेकर थे और उन्हीं से प्रभावित होकर महेश भट्ट ने भी वही रास्ता चुन लिया महेश भट्ट को फिल्में देखने का शौक था इसी शौक ने कद, उनके कदम फिल्मों की ओर बढ़ा दिए घर से निकलने के बाद महेश भट्ट सीधे महबूब स्टूडियो पहुंच गए थे लेकिन यहां उन्हें देखती वॉचमैन ने उन्हें रोक दिया अंदर जाने से मना किया लेकिन वो कैसे कैसे करके वो वहां पहुंच गए जब राज कोसला से मिले तो वहां कोसला ने महेश भट्ट से पूछा कि क्या वो फिल्म मेकिंग के बारे में जानते हैं तो महेश भट्ट ने इनकार कर दिया। सच से कोसला प्रभावित हो गए और वह कहा कि जीरो से शुरुआत करना और अच्छा होता है उसी दिन से राज कोसला ने महेश भट्ट को अपना असिस्टेंट बना लिया महेश भट्ट ने कुछ फिल्मों में राजकोसला को असिस्ट किया और छब्बीस साल की उम्र में मूवी मंजिले और भी और पर तौर पर डेब्यू भी किया। इस मूवी में कबीर बेदी और, फिल्में और जीते। महेश स्कूल में की कमाई से शुरुआत की थी लेकिन आज वो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं करोड़ों कमाते हैं और खुद का प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं सीए नॉलेज के मुताबिक महेश भट्ट की थ्री हंड्रेड से सालाना छत्तीस करोड़ रुपए की कमाई करते हैं महेश भट्ट विशेष फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के सह मालिक भी हैं। इसकी गिनती बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउस में होती है महेश भट्ट हिंदी सिनेमा के ऐसे फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी साथ ही कई अभिनेता और अभिनेत्रियों के करियर में चार चांद भी लगाए वो लीक से हटकर फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकरों में से एक हैं उन्होंने इंडस्ट्री में निर्देशक निर्माता स्क्रीन राइटर के तौर पर भी काम किया हिट फिल्मों के बदौलत महेश भट्ट कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचे लेकिन यहाँ तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था अपने करियर के दौरान उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना किया यहाँ तक कि कई सेलेब्स के सेक्रेटरी के रूप में भी उन्होंने नौकरी की महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को मुंबई में हुआ था उनके पिता का नाम नाना भाई भट्ट और मां का नाम शीरीन मोहम्मद अली है महेश भट्ट ने अपनी स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से की बहुत ही कम उम्र में उन्होंने पैसे भी कमाने लगे थे उन्होंने स्कूल के दिनों में ही नौकरी स्टार्ट की थी साथ ही 20 साल की उम्र में एडवर्टीजमेंट के लिए लिखना भी स्टार्ट कर दिया था अपने स्ट्रगल के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए महेश भट्ट ने फिल्मी उद्योग में कदम रखा और महेश सिमिता पाटिल और विनोद खन्ना के सेक्रेटरी के रूप में काम भी किए इसके बाद धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हुए उन्होंने महज 26 साल की उम्र में ही अपनी पहली मूवी का निर्देशन किया इसके अलावा मूवी कब्जा से उन्होंने बतौर निर्माता अपने करियर की शुरुआत की वहीं 26 साल की उम्र से महेश भट्ट ने बतौर निर्देशक मूवी मंजिलें और भी हैं सिर्फ बॉलीवुड में निर्देशक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की इतना ही नहीं महेश भट्ट स्वाभिमान कभी कभी और नामकरण जैसे कई चर्चित टी सीरियल्स का भी निर्देशन कर चुके हैं बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपने पिता यश शोहर की विरासत को आगे बढ़ाया है यश जोहर ने साल 1979 में धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत की थी वहीं साल 1980 में इसके अंतगर्त पहली मूवी बनी थी धर्मा प्रोडक्शंस का सक्सेस रेट 67.30 परसेंट है धर्मा प्रोडक्शंस के अंतगर्थ बॉलीवुड में अब तक 44 सालों के इतिहास में 52 फिल्में बन चुकी हैं पहली मूवी थी दोस्ताना ये मूवी साल नाइनटीन एडी में रिलीज हुई थी आइए हाँ आज धर्मा प्रोडक्शंस का पूरा इतिहास जानते हैं धर्मा प्रोडक्शन की कितनी फिल्में फ्लॉप कितनी हिट कितनी सुपर हिट और कितनी एवरेज रही और कितनी फिल्मों ने सौ दो सौ करोड़ रुपए की कमाई की सभी सवालों के जवाब जानते हैं धर्मा प्रोडक्शंस की दस फिल्में सुपर हिट रही इनमें दोस्ताना कुछ कुछ होता है कभी खुशी गाम स्टूडेंट ऑफ द ईयर ये जवानी है दीवानी टू स्टेट्स बद्रीनाथ की दुल्हनिया राजी सिम्बा शामिल है थर्मा प्रोडक्शन की जितनी फिल्में सुपरहिट हैं उससे ज़्यादा हिट फिल्में इसमें दुनिया गुमराह नेम इज़ खान कल होना हो आई हेट लव स्टोरी हमटी शर्मा की दुल्हनिया केसरी डियर जिंदगी गुड न्यूज़ कभी अलविदाना कहना वो एक अप सेट कपूर एंड सॉन्स ऐ दिल है मुश्किल सूर्यवंशी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एवं धड़क शामिल है धर्मा प्रोडक्शन की नौ फिल्में ऐसी भी रहीं जो बॉक्स ऑफिस पर औसत रही हैं ना तो इन पर हिट का तमगा लगा और ना ही फ्लॉप का टाग इन में काल दोस्ताना एक मैं और एक तू दी लंच बॉक्स हंसी तो फसी ब्रदर्स इत्तेफाक, टुक टुक जी और ब्रह्मास्त्र शामिल हैं मुकद्दर का फैसला अग्निपथ डुप्लीकेट कुर्बान वी आर फैमिली गिप्पी गोरी तेरे प्यार में उंगली शानदार बार बार देखो ओके okay, जानू सेल्फी लाइगर और कलंक ये धर्मा प्रोडक्शन की फ्लॉप फिल्में हैं धर्मा प्रोडक्शन की भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र भारत में इसका नेट कलेक्शन 268 करोड़ रुपए है धर्मा प्रोडक्शन की दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी भी ब्रह्मास्त्र ही रही इसकी वाइड कमाई फोर हंड्रेड रही थी थर्मा प्रोडक्शंस की आठ फिल्मों ने सौ करोड़ या इससे अधिक की कमाई की है इनमें ये जवानी है दीवानी टू स्टेज है मुश्किल राजी केसरी सूर्यवंशी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी कहानियों बद्रीनाथ की दुल्हनिया शामिल हैं थर्मा प्रोडक्शन की सिर्फ दो ही फिल्मों ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री ली है इनमें ब्रह्मास्त्र और गुड न्यूज शामिल है विराज घेलानी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने अपना डेब्यू कारण जोहर के प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी मूवी गोविंदा नाम मेरा से की थी अब एक पॉडकास्ट में विनाश ने मूवी से जुड़ा एक किस्सा सुनाया उन्होंने बताया कि कैसे वो करण रोहर के प्रोडक्शन हाउस से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन से बदला भी लिया था उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने फैंस की मदद से प्रोडक्शन हाउस को परेशान किया था फिर धर्मा से उन्हें फ़ोन आ गया कि इसे बंद करो यूट्यूब पर एक सेड दैट द हैविंग सेड दैट पॉडकास्ट में विराज ने बताया कि जब मूवी को ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उन्होंने वहाँ नहीं बुलाया ये बात विराज को ख़राब लगी विराज ने पॉडकास्ट में आगे कहा अब वो मुझे लेकर जाएंगे बताता हूँ क्यों मैंने सोचा ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम की ताकत थी तो मैं अपने सोशल मीडिया पर गया और कहा कि जब भी ट्रेलर लॉन्च होगा आप सबको यानी फैंस को कहा कि धर्मा प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर जाना है और कमेंट करना है यहाँ विराज के लिए विराज ने आगे बताया कि उस पर कम से कम बारह से 1500 कमेंट्स आ गए विराज ने कहा कि इसके तुरंत बाद उनके पास धर्मा प्रोडक्शन का फोन आया ने ने एक तरह से वो मेरा बदला लेना था गोविंदा नाम मेरा मूवी साल 2022 में रिलीज हुई थी इस मूवी में विक्की कौशल भूमि पेडनेकर और क्यारा आडवाणी जैसे कलाकार नजर आए थे मूवी में विराज का कैरेक्टर का नाम बलदेव चड्डा था उन्होंने भूमि के बॉयफ्रेंड का कैरेक्टर निभाया था इस मूवी को आप हॉटस्टार पर भी देख सकते हो सपने को पिता तो नहीं समझ पाए लेकिन मां ने भाप लिया कि बेटा क्या चाहता है जी हां हम बात कर रहे बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यश जोहर की जिन्होंने गाइड प्रेम पुजारी मुझे जीने दो कल हो ना हो कुछ कुछ होता है जैसी सुपरहिट हिंदी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड को दूसरा सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस दिया यश जौहर की फिल्मों की खासियत थी आलिशान सेट खूबसूरत लोकेशन और भारतीय परंपराएं अगर यश जौहर की अपनी जिंदगी में अभिनेत्री मधुबाला से मुलाकात ना होती तो आज धर्मा प्रोडक्शन नहीं होता करण जौहर के पिता यश जौहर का छब्बीस जून दो में निधन हो गया आज धर्मा प्रोडक्शन की कमान बेटे करण जौहर के हाथों में है बॉलीवुड में धर्मा प्रोडक्शन की गिनती सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में होती है बॉलीवुड में मौजूदा समय में कई स्टार का करियर चमकाने में धर्मा प्रोडक्शन की अहम भूमिका रही है करण जोहर भी बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर बन गए हैं करण एक बड़े फिल्म निर्माता होने के साथ साथ कई टैलेंट्स को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए जाने जाते हैं यश का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान 6 सितंबर 1929 को पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ था पटवारी के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया यहाँ आकर यश के पिता ने नानकिंग स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान खोली यश अपने नौ भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे इस वजह से उनके पिता ने उन्हें दुकान पर बैठा दिया जिससे वो हिसाब किताब कर सके हालांकि उन्हें ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था यशोहर की मां ने उनका साथ दिया और कहा कि तुम मुंबई चले जाओ मिठाई की दुकान संभालने के लिए तुम बने ही नहीं हो मां ने यश को मुंबई भेजने के लिए घर से गहने और पैसे गायब कर दिए इसका शक सिक्योरिटी वाले पर गया और उसकी पिटाई भी हुई जबकि यश की मां बेटे के लिए पैसे का जुगाड़ कर रही थी जिससे वो मुंबई जा सके जब यश जौहर मुंबई आए तो मां के द्वारा दिए गए पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे इसके बाद यश जौहर ने मुंबई में नौकरी देखना स्टार्ट कर दिया एक दिन नौकरी ढूंढते हुए यश जोहर मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचे वहां जाकर जब उन्होंने पूछा कि कोई नौकरी है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर दुबे जी के पास पहुंचा दिया गया दुबे जी ने कहा कि इन्हें अपना असिस्टेंट रख लिया और उनके साथ फील्ड में काम करने के लिए जाने लगे ये वही समय था जब मुगल आजम की शूटिंग चल रही थी दुबे जी के साथ यश जौहर को भी मुगल आजम के सेट पर जाने का मौका मिल गया इसी तरह पहली बार यश जौहर को फिल्मी दुनिया देखने का मौका मिला या यूं कहें कि यश जौहर की किस्मत थी जो उन्हें मुगल आज़म के सेट तक खींच लाई उस जमाने की मशहूर अदाकारा मधुबाला के बारे में कहा जाता था कि वो किसी को फोटो नहीं लेने देती थी, थी पर यश के पढ़े लिखे होने के कारण और अंग्रेजी बोलने से मधुबाला इम्प्रेस होकर उनसे फ़ोटो खिंचवाने लगी इसके बाद जब यश मधुबाला की फ़ोटो खींच कर ऑफिस पहुंचे तो उन्हें तुरंत फ़ोटोग्राफर की नौकरी मिल गई थी साल 1952 में सुनील दत्त के प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट से यश शोहर ने अपने करियर की शुरुआत की इसके बाद वो सहायक निर्माता के रूप में देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स में जुड़े देवानंद के प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर उन्होंने गाइड ज्वेल थीफ प्रेम पुजारी हरे रामा हरे कृष्णा जैसी शानदार फिल्मों को पर्दे पर लाने में अहम योगदान दिया साल 1971 में रिलीज हुई मूवी हरे राम हरे कृष्णा में यशोहर की प्रोडक्शन का कमाल देखने को मिला साल 1976 में यशोहर ने अपनी खुद की फिल्म प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत की धर्मा प्रोडक्शन की पहली मूवी साल 1980 में अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी दोस्ताना थी थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। लाल रंग की की साड़ी लंबे बालों की लट और चांदी की नाक की पिन पहने श्रद्धा कपूर ने हाल ही में अपनी न्यूली रिलीज मूवी थ्री टू का ट्रेलर लॉन्च किया बाद में उनकी मूवी के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में स्टाइल बदल गया लेकिन थीम वही रहा लाल पोशाक चोटी और चांदी की एक्सेसरीज ऑरियंस के बीच एक याददाश्त स्थापित करने के लिए था विचार ये था कि उसे देखने वाले और उसकी शैली की प्रशंसा करने वाले लोग याद रखें कि मूवी में उसका किरदार खुद को इस तरह से तैयार करता है एक दृष्टिकोण जैसे मेथड ड्रेसिंग कहा जाता है जाह्नवी कपूर आलिया भट्ट विद्या बालन तापसी पन्नू अपने ऑडियंस से जुड़ने के लिए मेथड ड्रेसिंग का यूज करने वाले अभिनेताओं की सूची अंतहीन है वे अपनी फिल्मों के प्रचार के दौरान अपने कैरेक्टर के एक तत्व को सबके सामने लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाते हैं ताकि उनका स्टाइल लोगों के सामने आए इंडिया इन ने इन अभिनेताओं को स्टाइल करने वाले फैशन डिजाइनर से कॉन्टेक्ट किया ताकि मेथड ड्रेसिंग के बारे में और अधिक जानकारी मिल सके और ये क्यों प्रचलन में है शांति बनारस की क्रिएटिव डायरेक्टर खुशी ने इस मेथड एक्टिंग के सम्मान बात किया जहाँ एक अभिनेता वास्तविक जीवन में अपने कैरेक्टर की तरह जीने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता है मेथड ड्रेसिंग शब्द पूरी तरह से नया नहीं है क्योंकि ये मेथड एक्टिंग की लंबे समय से चली आ रही प्रथा की सम्मान है मेथड एक्टिंग में अभिनेता अपने किरदारों के व्यक्तित्व और व्यवहार को अपना कर खुद को अपनी भूमिका में डुबा लेते हैं ताकि उनका प्रदर्शन अधिक बिलीवेबल हो जाए ऑथेंटिक हो जाए इसी तरह मेथड ड्रेसिंग में एक ऐसी शैली अपनाना शामिल है जो किसी विशेष व्यक्तित्व के साथ मेल खाती है जिससे वांछित छवि को मजबूत करने में मदद मिलती है उन्होंने कहा डिजाइनर ने कहा कि इस तरह की ड्रेसिंग उनके काम को और भी चैलेंजिंग और मजेदार बनाती है खुशी ने कहा एक बहुत ही रोमांचक अवसर प्रस्तुत करता है और डिजाइनर्स को चैलेंज का सामना करने का मौका देता है ऐसे आउटफिट बनाना जो किसी खास किरदार के साथ मेल खाते हो इस तरह की चुनौतियाँ इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि ये बहुत ही रचनात्मक और नवीनता को बढ़ावा देती है बहुत ज़्यादा यूनिक होता है एक्चुअली अनन्या पांडे सोनाक्षी सिन्हा सोनम कपूर और कैटरीना कैफ समेत कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों के लिए आउटफिट डिजाइन कर चुकी अर्पिता मेहता के लिए मेथड ड्रेसिंग अलग अलग कलाकारों अभिनेताओं डिजाइनर्स और स्टाइलिस्ट के बीच सहज रचनात्मक सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है हालांकि वो आलिया भट्ट को अपनी निजी पसंदीदा मानती हैं क्योंकि उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रचार के दौरान मेथड ड्रेसिंग को आगे बढ़ाया अर्पिता ने कहा आलिया भट्ट का अपनी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रचार के दौरान सफ़ेद साड़ी पहनने का फैसला एक आदर्श एग्जाम्पल है अमी बरेल द्वारा बेहतरीन ढंग से स्टाइल की गई प्रत्येक लुक को इतनी खूबसूरती से निष्पादित किया गया कि ये सब एक साथ सहजता के सामने आया सफेद साड़ियों की सादगी और शान आलिया की शान और उनके चरित्र के सार को उजागर करती है जिससे पूरा दृष्टिकोण सहज रूप से ठाट दिखाई देता है लेकिन क्या ये सब जरूरी है क्या ये वाकई ऑडियंस के दिमाग पर असर डालने में मदद करता है जब आप ऑडियंस को प्रभावित करने या उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि वे खास है आप उन्हें महत्व देते हैं और खुद अपने कैरेक्टर और अपनी मूवी के लिए एक छाप छोड़ना चाहते हैं हाँ ये बहुत ही मेहनत का काम है लेकिन ये आपके ऑडियंस के प्रति आपकी भक्ति और प्यार को भी दर्शाता है खुशी ने इसी विचार को विस्तार से बताया और कहा मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी अतिरिक्त है वास्तव में बॉलीवुड अभिनेताओं को इस प्रवृत्ति को अपनाते देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है मैंने देखा है कि आले हमेशा खूबसूरत सफेद जामदानी पहनती हैं जो उनके किरदार में सौंदर्य शास्त्र से मेल खाती है क्रीम वाली पोशाक मूवी में उनके द्वारा निभाए गए व्यक्तित्व के साथ पूरी तरह से मेल खाती डिजाइनर ने मिस्टर एंड मिसेस माही के प्रमोशन के दौरान जानवी कपूर और उनकी शानदार साड़ियों का जिक्र किया अभिनेत्री ने मूवी में क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी और अपनी ब्लाउज डिजाइन या अपनी साड़ी के प्लीट्स से पिच को दर्शाने के तरीके के जरिए अपने स्टाइल में खेल का तत्व लाना सुनिश्चित किया उन्होंने बताया प्रमोशन के दौरान जान्वी कपूर को देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा उनकी साड़ियाँ बहुत ही अट्रैक्टिव और मज़ेदार रही थी इसने पूरे प्रचार अभियान में गहराई की एक परत जोड़ दी थी जिससे ये सभी के लिए ये सभी के लिए और भी यादगार बन गया ये अभिनेता के अपने किरदारों और मूवी के प्रति समर्पण को दर्शाता है जो स्क्रीन से परे एक आकर्षक कहानी बनाता है अर्पिता ने इस बात पर सहमति जताई और बताया कि कैसे मेथड ड्रेसिंग अभिनेताओं और डिज़ाइनर्स दोनों के लिए बॉक्स के बाहर सोचने का अवसर है उन्होंने कहा कि ये भी दर्शाता है कि कैसे एक अभिनेता अपनी मूवी या अपने किरदार को हल्के में नहीं ले रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मैथर ड्रेसिंग ने फैशन के चलन में बहुत कुछ एड ऑन कराया पिछले महीने डेडपुल और बुलबरीन के विश्व प्रीमियर में अभिनेता ब्लैक लाइवली और गीगी हदीद ने दो सुपर हीरो की महिला समीक्षकों की तरह कपड़े पहने थे लाल बॉडी सूट और पीले लैटेक्स स्कर्ट में हालांकि अर्पिता की, की पसंदीदा जैदाना है ड्यून स्टार ने अपनी फिल्म चैलेंजर्स का प्रचार ऐसे कपड़ों में किया जो टेनिस के खेल से प्रेरित था उन्होंने कहा चैलेंजर्स का प्रचार करते समय जेंदया बेहद खूबसूरत दिखी उनकी सहज शैली आत्मविश्वास ने उनके सभी अलग बना दिया जिसमें शान और आधुनिकता का एक बेहतरीन मिश्रण दिखा घर वापस आकर खुशी ने विद्या बालन और कंगना रनौत की स्टाइलिंग को अपनी फिल्मों के प्रचार के लिए काफ़ी असाधारण पाया उन्होंने याद किया कि विद्या ने दी पिक्चर के प्रचार के दौरान किस तरह रेट्रो आउटफिट को अपनाया था बहुत से कलाकारों ने अपनी स्टाइल में, में मेथड ड्रेसिंग को सफलतापूर्वक अपनाया है विद्या बालन का नाम मुझे दि डी पिक्चर के प्रचार से याद आता है जब वो रेट्रो प्रेरित आउटफिट पहनती थी जो सिल्क को पूरी तरह से यानी उनके कैरेक्टर को पूरी तरह से दर्शाता था उन्होंने कहा कंगना रनौत का द क्वीन ऑफ झांसी के प्रचार दौरान शानदार दिखी वो हमेशा पारंपरिक साड़ियाँ पहनती थी जो रानी लक्ष्मी भाई से मिलती जुलती थी सिंपल फेवर के प्रचार के दौरान उनकी एक और पसंदीदा पोशाक ब्लैक लाइवली थी वो उन सूटों में कमाल लग रही थी मेथड ड्रेसिंग का मतलब सिर्फ एक कपड़ा उठाकर मीडिया और ऑडियंस के सामने सुंदर दिखाना नहीं होता है ये आपके कैरेक्टर के को आ, पहचान देता है अपनी मूवी की थीम पर टिके रहने और फिर भी ड्रेसिंग में रचनात्मक खोजने में सक्षम होने के बारे में ये कला है एक कला के भीतर वैसे भी अब जब फैशन की बात आती है तो बड़ा बनो या घर जाओ वाई अरफ स्पाइनिवर्स यूनिवर्स के लिए 2023 थाउजेंड मिला जुला साल रहा एक तरफ शाहरुख खान की पठान ने रिकॉर्ड की कमाई की दूसरी तरफ सलमान खान की टाइगर थ्री उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर सकी

अल्फा में भी ले जाएगा इसमें वो आलिया के मेंटोर की भूमिका निभाएंगे स्पाई यूनिवर्स का पहला क्रॉसओवर पठान में देखने को मिला जब सलमान का टाइगर वाला कैरेक्टर शाहरुख के साथ नजर आया उसके बाद टाइगर थ्री में शाहरुख ने पठान वाली भूमिका में क्या किया अब यही चीज़ अल्फा में भी देखने को मिलेगी हालांकि ये क्रॉसओवर सिर्फ स्पाई यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स में भी हो रहा है हाल ही में श्रद्धा कपूर की स्त्री टू रिलीज हुई इसमें वरुण धवन के भेड़िया के कैरेक्टर को देखा गया वहीं रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की अगली मूवी सिंघम अगेन में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है इसमें सूर्यवंशी के अक्षय कुमार और सिम्बा वाले रणवीर सिंह नजर आएंगे बहरहाल अल्फा में आलिया के

बताया गया था कि उस वक्त आलिया और बॉबी के बीच खून खट्टर और मार धाड़ वाले भयानक फाइट सीक्वेंस शूट किए जा रहे हैं इस सीक्वेंस में आलिया और बॉबी हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करते हुए दिखाई देंगे ये सीक्वेंस ही मूवी की यूएसपी होने वाली है शूट का कोई हिस्सा लीक ना हो इसके लिए मेकर्स ने सेट पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है सिर्फ लीक रोकने के लिए मेकर्स ने अल्फा के सेट पर 100 एक्स्ट्रा लोगों को तैनात किया है इस एक्शन सीक्वेंस को जवान और टॉप गन नावरिक के लिए एक्शन कोरियोग्राफर करने वाले के सी ओ नील ने डिजाइन किया है खबरें ये भी हैं कि अल्फा में अनिल कपूर भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने वाई के साथ एक डील साइन की थी वो डील क्या थी ये सुन लो आप लोग अल्फा को डायरेक्ट करेंगे शिवराबिर जिससे पहले वाई की ही पहली वेब सीरीज दी रेलवे मैन डायरेक्ट कर चुके हैं अल्फा 2025 में रिलीज हो सकती है और अभी वो इस मूवी को लेकर बिजी भी चल रही हैं बीते 15 अगस्त को कई बड़ी फिल्मों का क्लैश हुआ राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की स्त्री टू अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा एक ही दिन सिनेमाघरों में उतरी इसी साल दिसंबर में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी भिड़ंत होने वाली है रिश्मिका मंदाना अलू अर्जुन की पुष्पा टू रूल और विकी कौशल की छावा 6 दिसंबर के दिन ही रिलीज होगी अगस्त और दिसंबर के इन क्लैश से पहले अक्टूबर यानी दशहरे के मौके पर भी बड़ा क्लैश होने वाला है इस भिरन पर तमिल सिनेमा के फैंस पटे पड़े हैं एक दूसरे के स्टार्स के लिए हर किस्म की भद्दी बाटते लिख रहे हैं कौन सी ये है ये फिल्में जिनकी वजह से माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया है आप उनके बारे में बताएंगे वैटन रशिकांत की 170वीं फिल्म एक कॉब ड्रामा होने वाली है मूवी में वो एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगे जो हमेशा सही बात के लिए अपनी आवाज उठाता है अमिताभ बच्चन भी इस मूवी का अहम हिस्सा है रशिकांत और अमिताभ बच्चन इससे पहले गिरफ्तार और हम रेसी फिल्मों में भी साथ काम कर चुके पागीवाद बादल मूवी के विलेन होंगे फहद ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि उनका किरदार टिपिकल वुलन का नहीं होने वाला बल्कि वो एक फनी रोल में नजर आएंगे मूवी ने धासू कास्ट पाक कर रखी है जनता की आर्टिसपेशन बढ़ी हुई है मेकर्स मूवी की आखिरी कुछ सीक्वेंसेस शूट कर रहे हैं उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा करके इसे 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा वेटियन को जय भीम वाले टी जे न्यानवेल डायरेक्ट कर रहे हैं सेकेंड इज कंगूवा सूर्या की पीरियड मूवी कंगुआ को दस भाषाओं में रिलीज किया जाएगा मूवी के के स्केल के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते मूवी को 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया है मई में खबर आई कि मूवी के लिए सिनेमा का सबसे बड़ा वॉर सीक्वेंस शूट किया गया है सूर्या मूवी के हीरो हैं और उनके सामने बॉबी देओल देन बने हैं बताया गया कि एक सीक्वेंस के लिए सूर्य और बॉबी देओल के साथ दस लोगों का जमा किया गया मेकर सुर में वी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे इसलिए इस हिस्से को लोगों के साथ शूट किया गया कंगुआ में सूर्य और बॉबी देओल के साथ दिशा पाटनी और द्रगपति बाबू भी मेजर रोल्स में नजर आएंगी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूवी दो टाइमलाइन में घटेगी एक पुराने समय में और एक आज के काल में सूर्य डबल रोल कर रहे हैं कंगुआ दस अक्टूबर को रिलीज होने वाली है नाउ जिगरा मर्द को दर्द नहीं होता वाले वासन बाला के निर्देशन में बन रही इस मूवी की कहानी एक बहन और भाई पर केंद्रित है कि कैसे वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है आलिया भट्ट ने बहन का रोल प्ले किया है वहीं वेदांग रैना उनके भाई बने मूवी के सेट से कुछ फोटोज भी लीक हुई थी एक में दिखा कि आलिया का कैरेक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है तब कहा गया कि कि उनके किरदार को को गहरी होगी और ये ये उसके बाद का का है। अक्टूबर में उतरेगी। जब इस मूवी पहला पोस्टर आया, तब लगा कि ये से बहुत भारी तरह से प्रेरित हुई है फिर मूवी का ट्रेलर आया उसके बाद गदर से लेकर मार मार्क्स तक सब याद आ गया ध्रुव सज्रा की मूवी मार्टिन एकदम ओवर मूवी है कुल मिलाकर बीते तीन चार साल से धड़ल्ले ऐसी ऐसे में ही बॉक्स ऑफिस पर कितना चलेगी उसका जवाब 11 अक्टूबर को मिलेगा मार्डन को कन्नड़ तमिल तेलुगू हिंदी के अलावा रशियन स्पैनिश और कोरियन में भी रिलीज़ किया जाएगा क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी बबली नेचर के कारण लोगों के दिलों पर राज करती आई हैं वो स्क्रीन पर एक्टिंग तो अच्छा करती ही हैं साथ ही साथ रियलिटी शो में फन लिविंग नेचर के कारण भी वो सबका दिल जीत लेती हैं आलिया भट्ट की शादी को दो साल हो चुके हैं और वो बेटी राहा की भी माँ बन चुकी हैं पर अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि उन्होंने अपना नाम बदल लिया है जी हाँ आलिया ने रणबीर कपूर से शादी करने के बाद अपना नाम बदल लिया था जिसका खुलासा दी ग्रीट इंडियन कापल शो में हुआ मेकर्स ने हाल ही में सीजन का प्रोमो शेयर किया जिसमें कई सितारे नजर आए जो शो का हिस्सा होंगे इनमें से एक आलिया भी थी आलिया ने अब अपना ऑफिशियल नाम आलिया भट्ट कपूर कर लिया है यह खुद उन्होंने दी ग्रेट इंडियन कपल शो के दूसरे सीजन के नए प्रोमो में बताया आलिया शो में अपनी नई मूवी जिगरा को प्रमोट करने पहुंचेंगी इसकी झलक प्रोमो में है साथ में को स्टाव वेदां रैना भी होंगे जब सुनील ग्रोवर गुत्थी बनकर आलिया से मिलने पहुंचते और बोलते आप हैं आलिया भट्ट हाँ तो एक्ट्रेस बोलती हूँ मैं हूँ आलिया भट्ट कपूर ये सुनकर गुत्थी को धक्का लगता है दरअसल दी कपिल शर्मा शो के वक्त से ही गुत्थी को रणबीर कपूर से प्यार हो गया था एक एपिसोड में तो उन्होंने रणबीर से शादी भी कर ली थी और नीतू कपूर की बहू बन गई थी तभी से गुत्थी का रणबीर कपूर प्रेम चल रहा है जो आलिया के सामने भी देखने को मिलने वाला है आलिया और रणबीर ने अप्रैल 2022 में शादी की थी और उसी साल नवंबर में बेटी राहा के पेरेंट्स बने अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने अब तक के करियर में एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में की हैं वो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है पिछले दो सालों में अभिनेत्री ने कई हिट फिल्में दी आलिया ने अपनी अदाकारी से ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की ही सराहना प्राप्त की है अभिनेत्री की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में कई शानदार और बड़ी फिल्में शामिल हैं आइए जानते हैं कि आलिया की कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं अल्फा आलिया भट्ट राज फिल्म्स की यूनिवर्स अल्फा का हिस्सा बन चुकी है रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं इस मूवी में आलिया अपने एक्शन अवतार में नजर आएंगी उनके साथ अभिनेत्री शर्वरी वाघ भी मूवी में है आलिया की इस मूवी में बॉबी देओल विलन की भूमिका निभाएंगे जिगरा करण डोहर के बैनर थर्मा प्रोडक्शन के अंदर बनी है जिगरा का थासू ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है इस मूवी में वो एक्शन करते हुए नजर आए ट्रेलर में देखा गया कि आलिया अपने भाई के लिए खूब संघर्ष करती हैं ये मूवी भाई बहन के खास रिश्ते पर होगी लव एंड वॉर हाल ही में संजलीला भंसाली ने आलिया भट्ट के साथ मूवी का ऐलान किया इस मूवी का नाम लव एंड वॉर है कहा जा रहा है कि इस मूवी में वो रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ नजर आएंगी इस मूवी के अगले साल के अंत तक रिलीज होने की उम्मीद है ब्रह्मास्त्र टू साल 2022 में रिलीज हुई मूवी ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट ने अहम भूमिका निभाई थी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके दूसरे भाग पर भी काम चल रहा है मूवी के दूसरे भाग में भी आलिया भट्ट नज़र आएंगी अपने पति रणबीर कपूर के साथ उसमें उनका क्या रोल होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा कि इस पर क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होने वाले हैं वेल अभी तो जिगरा को लेकर उनकी एक्साइटमेंट टॉप नॉच पर है एक कोरी गाने के बाद आलिया और दिलजीत एक बार फिर जिगरा मूवी के गाने चल कोरिए के साथ कम कर रहे हैं लेकिन दिलजीत इसके अलावा कई जगह बिजी हैं इम्तियाज अली ने पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला के जीवन पर मूवी बनाई इस मूवी का नाम भी अमर सिंह चमकीला ही है हाल ही में इस मूवी के प्रमोशन के लिए इम्तियाज समेत मूवी की कास्ट दी ग्रेट इंडियन कपल शो पर पहुंची थी यहां पर पर इम्तियाज ने बताया कि कैसे उन्होंने शाहरुख़ के कहने पर इस मूवी में दोसांझ को कास्ट किया कि शाहरुख ने दिलजीत को देश का बेस्ट एक्टर करार दिया था कपिल शर्मा ने शो के दौरान इम्तियाज से पूछा आप दोनों ने इससे पहले कभी साथ में काम नहीं किया फिर आपको इस मूवी के लिए दिलजीत पाजी का ख्याल कैसे आया इस पर इम्तियाज ने कहा कि उन्होंने दिलजीत की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ सुनी रखी थी मगर शाहरुख के सुझाव पर उन्होंने चमकीला के रोल में दिलजीत को कास्ट किया इम्तियाज कहते हैं शाहरुख खान ने एक बार मुझे बोला था कि अगर इस मुल्क में कोई सबसे अच्छा एक्टर है तो वो है दिलजीत दोसांझ। मुझे लगता है कि अगर दिलजीत पांडे ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया होता तो ये मूवी शायद बनती ही नहीं हम बहुत लकी हैं मूवी के लिए इससे बेहतर कास्ट हो ही नहीं सकती थी दोनों ही परिणीति और दिलजीत बहुत बढ़िया एक्टर्स और सिंगर हैं दोनों साथ ही परिणीति ऐसी एक्टर हैं जो अपने कैरेक्टर के लिए वजन पंद्रह किलो बढ़ाने के लिए तैयार थी जो कि कमाल की बात है इम्तियाज ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें लीड रोल में ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जो गाते भी हों क्योंकि मूवी की शूटिंग के दौरान लाइव सिंगिंग ज़रूरी थी खैर परिणीति ने इस मूवी में अमर सिंह चर्मकीला की पत्नी अमरजीत कौर का रोल प्ले किया था मूवी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है शाहरुख और दिलजीत का एक कनेक्शन ये भी है कि दिलजीत ने उनकी मूवी डंकी में बंदा गाना गाया था तो पिछली बार क्रू में में छोटे से रोल नजर आए थे वहीं की पिछली मूवी थी मिशन रानीगंज बतौर डायरेक्टर इम्तियाज अली की पिछली मूवी 2020 में आई लव आजकल थी इसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने वो दिन भी थे नाम की फिल्म प्रोड्यूस की थी ये मूवी पिछले दस सालों से बनकर तैयार थी फाइनली इसे पिछले महीने जी पर रिलीज किया गया दिलजीत दोसांज एक फेमस एक्टर और सिंगर हैं हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करते लेकिन इस बार एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी बचपन की एक ऐसी बात शेयर की जिसे जानने के बाद हर बच्चे और पेरेंट्स का दिल दुख जाएगा दिलजीत ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके मामा के साथ रहने के लिए लुधियाना भेज दिया गया था उनके मम्मा पापा जो आई I मीन mean, जो पेरेंट्स थे उनसे पूछा गया कि क्या वो दिलजीत को अपने साथ ले जाएं तो इस पर उनके माँ बाप ने झट से हामी भर दी थी और दिलजीत से पूछा तक नहीं कि वो अपने मामा के साथ जाना चाहते हैं या नहीं अपने माँ बाप से इतना दूर जाना भी चाहते हैं या नहीं दिलजीत ने बताया कि उनके माँ बाप चाहते थे कि उनकी बेसिक ज़रूरतें जैसे कि खाना घर स्कूल की पढ़ाई पूरी हो इसीलिए उन्होंने अपने मामा के साथ उन्हें भेज दिया वो अपने माँ बाप से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका बहुत सम्मान भी करते हैं लेकिन उनके इस फैसले ने उनके रिश्ते को ख़राब कर दिया अपने बचपन के बारे में बात करते हुए दिलजीत ने बताया कि वो लुधियाना में अपने मामा के पास एक छोटे से कमरे में रहते थे वो बस स्कूल जाते थे और स्कूल से वापस आते थे उनके पास और कुछ करने को था ही नहीं वहाँ पर टीवी नहीं होता था और उनके पास बहुत खाली समय हुआ करता था आकर ने बताया कि उस समय मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे और अगर किसी से बात करनी है या फ़ोन करना है तो उसके बहुत पैसे लगते थे इसलिए वो अपने माँ बाप से बात तक नहीं कर पाते थे इन सभी चीज़ों की वजह से वो अपने परिवार से दूर हो गए दिलजीत ने बताया कि जब उन्हें अपने घर से दूर अपने मामा के साथ भेजा गया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे की जिंदगी का फैसला लेना उनका हक है लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका सही तरह से ख्याल रखना भी उनकी जिम्मेदारी है जब माँ बाप बच्चे की मर्जी जाने बिना कोई फैसला ले लेते हैं तो इससे बच्चे के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को चोट पहुंच सकती है दिलजीत तो दोसांझ का जन्म पंजाब के दोसांझ तो कला में हुआ था उन्होंने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए काफी मुश्किलों भरा सफर तय किया आज हम आपको बताएंगे कैसे स्थानीय गुरुद्वारों में प्रदर्शन करते करते दिलजीत साझ बन गए पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम जानिए उनकी पूरी कहानी दिलजीत सिंह यानी दिलजीत पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार एवं गायक हैं उन्होंने बहुत चर्चित हिंदी फिल्म उड़ता पंजाब सूरमा एवं ब्लॉकबस्टर पंजाबी फिल्म जट एंड जूलियट पार्ट वन एंड पार्ट टू पंजाब 1984 सरदार जी पार्ट वन एंड पार्ट टू सुपर सिंह अंबर सरिया जैसी सुपरहिट फिल्मों में भूमिका निभाई है दिलजीत ने कई संगीत एल्बम एवं फिल्मों में गीत गाए दिलजीत दोसांझ एक लावश और रॉयल लाइफ जीते हैं दिलजीत बताते हैं कि उन्होंने अपना पूरा फोकस म्यूजिक की दुनिया में लगा दिया था वो दिन रात देख कर म्यूजिक का रियाज करते थे दिलजीत दोसांझ एक गाना गाने के लिए करीब आठ से दस लाख रुपये फीस लेते हैं दिलजीत कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक मूवी के लिए दिलजीत चार करोड़ रुपए फीस के तौर पर लेते हैं दिलजीत का कहना है कि अगर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में सफल नहीं होते तो वो किसी कारखाने में काम कर रहे होते आज दिलजीत इतने फेमस हो गए हैं कि उनके मोम का पुतला मारम तुसार म्यूज़ियम लंदन में बना दिया गया है दिलजीत को लग्जरी कार्स का बहुत ही शौक़ है दिलजीत की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि वो तो आप इस तस्वीर से भी पता लगा सकते हो उनके पीछे फैंस की भीड़ सारी कहानी अया कर रही है

इस इंटरव्यू में उन्होंने दिलजीत के कॉन्सर्ट से रिलेटेड कुछ इनसाइट्स भी शेयर किए ये इनसाइट्स मेनली रूप से लाइक नॉर्थ अमेरिका में हुए दिलजीत दो के कॉन्सर्ट से जुड़े हुए थे सोनाली ने बताया कि कुछ रीसेलर्स थे जो टिकट को 54 लाख और 46 लाख तक में बेच रहे थे हालांकि टिकट की कीमत उनकी ऑफिशियल कीमत नहीं थी क्या है पूरी कहानी जानने के लिए ये चीज़ आप पूरा सुनो दिलजी दौसांड और उनका दिल दुम टूर इन दिनों चर्चा का विषय है इस कॉन्सर्ट के टिकट बहुत महंगे बिक रहे हैं लोगों का कहना है कि इसे बेच कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं मगर इसी टिकट के बढ़ते हुए दाम की वजह से दिलजीत की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उन्हें लीगल नोटिस मिला है दिलजीत की एक फैन ने ही उन्हें यह लीगल नोटिस भेजा है क्या है पूरा मामला आइए सुनिए दिल मिनाटी टूर के तहत दिलजीत भारत के दस शहरों में जाएंगे इन दस शहरों के लिए टिकट्स बिक चुके हैं 1499 हंड्रेड से शुरू हुए टिकट को बल्क में खरीदकर लोगों ने इसे 30 से पैंतीस हजार रुपये तक में बेचे हैं अब दिल्ली में रहने वाली लॉ स्टूडेंट रिधिमा कपूर ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है टिकट्स की मारामारी के बीच उन्होंने दिलजीत और शो के स्पॉन्सर्स को भी ये नोटिस भेजा रिधिमा ने दिल मिनाटी टूर के आयोजकों पर टिकट बिक्री प्रक्रिया के दौरान हेर फेर करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन करने का आरोप लगाया रिद्धिमा ने आरोप लगाया कि एच क्रेडिट कार्ड होल्डर होने के बावजूद वो कॉन्सर्ट की टिकट नहीं खरीद पाए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स ने 12 सितंबर को बुकिंग विंडो खोली मगर 12.59 पर टिकट बुक करनी शुरू की उनका कहना है कि आयोजकों की हेर फेर की वजह से टिकट अचानक अनअवेलेबल हो गई स्पॉन्सर्स जानबूझ कर शो की टिकट की प्राइस बढ़ा रहे थे जो कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट लाइक 2019 का उल्लंघन है दिल्ली में इस कॉन्सर्ट की सिर्फ दो कैटेगरी की टिकट्स बिक रही थी इसकी टिकट 12,999 और 19,999 रुपए की बिक रही थी ये टिकट्स भी मिनटों में हवा हो गई इसे सोशल मीडिया पर कई ऐसे मामले आए जिनमें लोगों ने शिकायत की कि कॉन्सर्ट की, की, की टिकट ब्लैक में बिकी लोग बल्क में इन टिकट्स को खरीद कर दो गुने तीन गुने दामों पर बेच रहे हैं जो टिकट बारह हजार नौ सौ निन्यानवे या उन्नीस हजार नौ सौ निन्यानवे की थी वो तीस से पैंतीस हजार के बीच में बिक रहे हैं लोग ये तक कह रहे हैं कि इन टिकट्स को बेच कर वो निफ्टी सेंसेक्स से ज्यादा रिटर्न ले रहे हैं अब ये भी जान लीजिए कि ये कॉन्सेट कब और कहाँ हो रहा है छब्बीस अक्टूबर दिल्ली पंद्रह नवम्बर हैदराबाद सत्रह नवम्बर अहमदाबाद बाईस नवंबर लखनऊ चौबीस नवंबर पुणे तीस नवंबर कोलकाता छः दिसंबर बेंगलुरु आठ दिसंबर इंदौर चौदह दिसंबर चंडीगढ़ उनतीस दिसंबर गुवाहाटी इस दो महीने लंबे स्केड्यूल में दिलजीत भारत के दस शहरों में जाएंगे इसके बीच 9 नवंबर को उनका टूर धाबी में भी होगा जहां वो इसी कॉन्सर्ट के अंडर परफॉर्म करेंगे सिंगर एक्टर दलरी दो सांश पॉडकास्ट में बताया कि कैसे वो आठ साल की उम्र में अपने घर से भाग गए थे एक्टर ने बताया कि उन्होंने अपने स्कूल की एक लड़की के प्यार में पढ़ घर से भाग जाने का फैसला लिया था इसी लड़की के चक्कर में वो अपने घर वालों से झूठ भी बोला करते थे कि वो स्कूल जा रहे हैं जबकि वो बंक मारा करते थे दिलजीत दो साल शुरू में पंजाबी फिल्मों में नजर आया करते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में उनकी बॉलीवुड में मौजूदगी तेजी से बढ़ी है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी मूवी चमकीला सुपरहिट रही दलजी दोसांझ ने राजमानी के साथ बातचीत में कहा कि मुझे लगा कि यही दुनिया का अंत है एक्टर ने अपने बचपन के किस्से सुनाते हुए कहा मैंने सिर्फ आठ साल की उम्र में अपने घर से भागने की कोशिश की थी मेरे स्कूल में एक लड़की थी जिसकी वजह से मैं घर से भाग गया था जब मैं स्कूल में था तो मेरे सीनियर्स रैंडमली हमसे पूछा करते थे कि तेरे को कौन सी लड़की पसंद है मैंने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा वो वाली तो वो मेरे सीनियर्स ने कहा कि जाकर उससे अपने दिल की बात कह दो और फिर तुम्हारी शादी होगी उससे दिलजीत तो ओस आज ने कहा कि मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं उस लड़की के पास गया और उसे कहा कि मैं और तुम शादी करेंगे उसे जाकर मेरे टीचर से शिकायत कर दी और मेरे टीचर ने कहा जाकर अपने मम्मी पापा को बुला कर लाओ मेरे लिए तो जैसे वो दुनिया का अंत था इसके बाद दिलजीत तो और शांश ने बताया कि कैसे उन्होंने घर से भागने की तैयारी की और किस तरह उनके घर से भागने की प्लानिंग सबके सामने आई उन्होंने बताया मैं घर गया फ्रिज खोला उसमें से दो केले उठाए कुछ फल लिए, अपनी साइकिल उठाई और चल गया दिलजीत तो और शांश ने बताया कि मैं बस अपने घर से पांच मिनट दूर ही पहुंचा था कि गांव वाले ने चिल्लाकर कहा कि कहाँ जा रहे हो जाओ वापस अपने घर जाओ उस वक्त मैं ऐसा नहीं था कि आपके घर वालों के अलावा आप पर कोई चिल्ला नहीं सकता था तब गांव में बहुत आम होता था कि कोई भी गांव वाला बच्चों पर चिल्ला देता था और उन्हें डांट देता था वो हमारे आम परिवारों की तरह होते थे कई बार तो वो थप्पड़ तक मार देते थे तो इस बंदे ने मुझे वापस घर भेज दिया अगले दिन मैंने पेट दर्द का बहाना कर दिया और स्कूल नहीं गया फिर टीचर्स ने भी मुझे माफ कर दिया। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिवकाशी तमिलनाडु में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम श्री अम्मा यंगेर अयप्पन था श्रीदेवी की मातृभाषा तमिल थी श्रीदेवी के पिता एक वकील थे और माँ हाउसवाइफ इनकी एक बहन और दो सौतेले भाई भी थे इन्होंने 1967 में थीरुमुम की मूवी थुना से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी जब वे केवल चार साल की थी बॉलीवुड में उन्होंने 1975 में में आई हिट मूवी बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी 1979 में हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के रूप में वे मूवी सोलवा सावन में आई लेकिन उन्हें पहचान नाइनटीन में आई हिम्मत वाला श्रीदेवी ने अपने करियर में हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया तेरा वर्षीय श्रीदेवी ने तमिल मूवी रजनीकांत की का नहीं किया था। डब की गई थी इसके अलावा मूवी आखिरी रास्ता को रेखा ने रब किया था श्रीदेवी ने पहली बार मूवी चांदनी में अपने डायलॉग्स के लिए डब किया कहा जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने गुपचुप शादी कर ली थी लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए उनकी शादी का प्रमाण मीडिया वालों के हाथ लग गया था 1996 में श्रीदेवी ने अनिल कपूर और संजय कपूर कपूर के बड़े भाई मूवी निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली और वे अर्जुन कपूर की सौतेली माँ थी कहा जाता है कि श्रीदेवी शादी से पहले गर्भवती थी श्रीदेवी की दो बेटियां हैं जिनके नाम जानवी और खुशी हैं यही नाम उनके पति बोनी कपूर की मूवी जुदाई और हमारा दिल आपके पास है कि नायिका के भी थे श्रीदेवी हमेशा अपनी बेटी जानवी के साथ बालकनी में खड़ी होती थी जब बोनी कपूर का काम पर जाते थे श्रीदेवी की बेटी जानवी के पसंदीदा अभिनेता ऋतिक रोशन और अभिनेत्री प्रीति जिंटा हैं जबकि प्रीति जिंटा की, की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी हैं। श्रीदेवी का पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर पाइन था श्रीदेवी का पसंदीदा रंग सफेद था इसलिए किसी भी समारोह में वे सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद किया करती थी श्रीदेवी ने बचपन में एक बच्ची के रूप में तेलुगु सुपरस्टार आंटी रामा राव के साथ काम किया और कुछ साल बाद उनकी हीरोइन बनी बाद में एक मूवी में उनके बेटे बलराज राव के साथ भी उन्होंने काम किया श्रीदेवी ने रूप की रानी चोरों का राजा के गीत दुश्मन दिल का वो है के लिए 25 किलो से अधिक वजन की स्वर्ण पोशाक पहनी थी जिसकी शूरिंग पंद्रह दिनों तक चली थी श्रीदेवी को चित्रकला में बहुत ही इंटरेस्ट था मार्च 2010 में उनके चित्रों को एक अंतरराष्ट्रीय कला नीलामी हाउस द्वारा बेचा गया वैसे प्राप्त राशि को दान किया गया श्रीदेवी का इस कला के दीवानों में सलमान खान और मनीष मल्होत्रा शामिल है जिनके घर की दीवारों पर श्रीदेवी के बनाए चित्र लगे हुए हैं श्रीदेवी को बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ डांसर्स में से एक भी माना जाता है कहा जाता है कि उनके गाने और डांस की लोकप्रियता की वजह से ही लोग उनकी फिल्मों के बारे में जानते थे श्रीदेवी को डांसर्स में शमी कपूर और माइकल ट्रैक्सन बहुत ही पसंद थे श्रीदेवी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी वे एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जो नब्बे के दशक में लगभग एक करोड़ रुपए प्रति फिल्म लेती थी श्रीदेवी जब शिखर पर थी तब उन्हें अपनी टीम के साथ काम करना पसंद था जिसमें कोरियोग्राफर सरोज नीता लुल्ला तथा मनीष मल्होत्रा फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठा तथा गौतम राज अध्यक्ष और मेकअप मानमिकी ठेकेदार शामिल थे श्रीदेवी की तीन हिट फिल्में ऐसी थी जिसमें उन्हें दूसरे ऑप्शन के रूप में चुना गया था नगीना को जया पर्दा चांदनी को रेखा और सदमा को डिम्पल कपाड़िया ने नकारा था श्रीदेवी ने करीब तीन दशकों के टॉप हीरो के साथ पर रोमांस किया। 1970 के के दशक सितारे राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा जितेंद्र ऋषि कपूर 80 के दशक के सितारे सनी देओल संजय दत्त अनिल कपूर जैकी श्रॉफ और नब्बे के दशक के शाहरुख खान अक्षय कुमार सलमान खान की नायिका श्रीदेवी बनी 60 के दशक के धर्मेंद्र की भी हीरोइन बन चुकी है श्रीदेवी की पसंदीदा अमेरिकी अभिनेत्री मेरी स्ट्रिप और जूलिया रॉबर्ट्स थी जब एम पहली बार मुंबई में लॉन्च हुआ था तब तो विजय ने रूप की रानी चोरों का राजा के सेट पर श्रीदेवी को जूलिया रॉबर्ट्स ऑफ बॉलीवुड से नवाजा था श्रीदेवी कम से कम मेकअप में विश्वास रखती थी उनके पास मेकअप किट के नाम पर लाप्रैरी प्लाटिनम क्रीम कुछ आईलाइनर और एक लिप ग्लॉस रहता था श्रीदेवी ने कभी अपनी पसंदीदा सह कलाकार का नाम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि अमिताभ बच्चन ही सबसे महान है हालांकि उन्होंने कभी अमिताभ के के साथ काम करने के लिए मना नहीं किया लाइक वो मना कर देती थी क्योंकि वे मानती थी कि अमिताभ की फिल्मों में हीरोइन के लिए कुछ काम नहीं रहता अमिताभ बच्चन ने मूवी शालबास के लिए श्रीदेवी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया था लगभग एक दशक बाद श्रीदेवी ने उन्हें फिल्म ब्लैक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया श्रीदेवी को बिल्लियों से बेहद डर लगता था लेकिन सीने, बिल्स के कवर के कवर लिए उन्हें एक बिल्ली के साथ पोज देना पड़ा था श्रीदेवी के लिए अधिकांश गाने आशा भोसले और कविता कृष्ण मूर्ति ने लता मंगेशकर ने श्रीदेवी के सबसे लोकप्रिय सभी सब गाने गाए श्रीदेवी ने खुद मूवी चांदनी का सुपरहिट टाइटल ट्रैक जॉली मुखर्जी के साथ गाया था श्रीदेवी पर फिल जानबाज का गीत हर किसी को नहीं मिलता सुपरहिट रहा जिसने सेक्सीनेस शब्द के लिए एक नई परिभाषा बनाई और शिफॉन साड़ी इससे पहले कभी इतनी लोकप्रिय नहीं हुई श्रीदेवी ने मूवी हीर रांझा के लिए अपनी खुद की ड्रेसेस तैयार की थी जो कि बिगौन एरा के चित्रों में प्रेरित थी पंद्रह साल के एक लंबे अंतराल के बाद 2012 में श्रीदेवी ने मूवी इंग्लिश विंग्लिश से वापसी की निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने भारत की सभी शीर्ष अभिनेत्रियों के साथ काम किया उनका कहना रहा कि ड्रूही और माधुरी अच्छी हैं, लेकिन श्रीदेवी बेहतरीन है श्रीदेवी ने जितेंद्र अनिल कपूर और ऋषि कपूर के साथ कई फिल्में की लेकिन कमल हसन के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया लोग सोचते थे कि सेट पर इन्हें प्यार कैसे नहीं हुआ 1983 में मूवी सदमा के बाद इस जोड़ी ने कभी साथ काम नहीं किया श्रीदेवी लिखकर श्रीदेवी लिखकर वो साइन करती थी ना कि श्रीदेवी लाइक एस आर आई टी ई वी नहीं लिखती थी वो श्री लिखती थी एस एच आर ई -E लिख के वो अपनी साइन करती थी श्री देवी सार्वजनिक स्थानों पर कम ही बात करती थी लेकिन उनके बहुत करीबी जानते हैं कि वे मज़ेदार बातें किया करती थी श्रीदेवी की मूवी लाडला पहले दिव्या भा लाडला पहले दिव्या भारती करी थी जिन्होंने मूवी की लगभग जगह को दोहरी निभाने के लिए दिया जाना था। शक्ति में काम करती उन्हें प्रेग्नेंट हैं तो उन्होंने अपनी पसंदीदा हेरोइन काजोल से मूवी को करने के लिए कहा लेकिन काजोल बिजी थी इसलिए मूवी करिश्मा कपूर की झोली में आई श्रीदेवी जब टॉप पर थी तो कई फिल्मों के ऑफर उन्हें मिलते थे उन्होंने कामयाब होशियार खुदकर्ज विजय अभिमन्यु अचूबा बेटा डर आईना, बाजीगर मोहरान राम, दिल तो पागल है युग पुरुष कारोबार आदेश शक्ति दपावर बागवान जैसी कई बड़ी फिल्में ठुकरा दी थी 2017 में प्रदर्शित हुई मॉम श्रीदेवी की 300 मूवी थी उनके फिल्म करियर के 50वें वर्ष में रिलीज हुई थी 40 फिल्म मॉम सात जुलाई आई I मीन mean, no, ये 300 टोटल उन्होंने मूवी किया था जो कि उनके 50वें वर्ष में रिलीज हुई मूवी मॉम जुलाई को रिलीज हुई और इसी तारीख को श्रीदेवी की पहली मूवी बड़े पर्दे पर आई थी नवाज उद्दीन सिद्दीकी थी मॉम का पोस्टर सलमान खान ने रिलीज किया उनका मानना है कि बॉलीवुड के सारे खान और अक्षय खन्ना से भी आगे श्रीदेवी का नाम आता है आमिर खान की पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी हैं लेकिन उन्हें कभी भी श्रीदेवी के साथ मूवी करने का मौका नहीं मिला 1991 में लंदन में लंदन या चोपड़ा की मूवी लम्हे की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने पिता को खो दिया वे अंतिम संस्कार के लिए घर लौटी इसके बाद 1997 में मूवी जुदाई की शूटिंग के दौरान उनकी मां की डेथ हो गई श्रीदेवी ने बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पांच फिल्म फेयर पुरस्कार जीते एक बाल कलाकार के रूप में उन्हें पुम्बट्टा 1971 के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार मिला वहीं 2013 में भारत सरकार ने उन्हें चौथे उच्चतम नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा था तो ये थी बॉलीवुड की अमिताभ बच्चन लेडी अमिताभ बच्चन बेसिकली आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी कई सारी यादें आज भी हमारे दिलों में ताज़ा हैं

अन डेथ किसी सदमे से कम नहीं था तेरह अगस्त 1963 को तमिलनाडु में श्री अम्मा यंगर या के रूप में श्री देवी ने चार साल की छोटी उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था अपने पाँच दशकों के करियर में उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया उन्होंने अपनी दमदार अदाकारी से दुनिया भर में करोड़ों लोगों का दल जीता और बहुभाषी कलाकार बन गई उन्होंने हिंदी तमिल तेलुगू और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सुपर हासिल किया था इन्होंने फिल्म कंदन करुनई में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी फिल्मी यात्रा स्टार्ट की और आखिरी बार 2017 में आई मूवी मॉम में नजर आई थी श्रीदेवी को उनके करियर के पीक पर सबसे बड़ी लोकप्रियता मिली उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन कहा गया था क्योंकि वे ही हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बन चुकी थी अस्सी के दशक में जहां फिल्में बॉलीवुड अभिनेताओं के दम पर चलती थी तो वहीं श्रीदेवी एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अभिनय के मामले में बड़े बड़े अभिनेताओं को भी मात दे दिया था दरअसल श्रीदेवी ने खुद को ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया था अस्सी नब्बे के दशक में श्रीदेवी के नाम से ही फिल्में सुपरहिट हो जाती थी ऑडियंस को सिनेमाघरों में खींचने के लिए मूवी में अभिनेत्री का होना ही काफ़ी था यही वजह था कि उस समय श्रीदेवी को अभिनेताओं से भी ज्यादा फीस मिलती थी उस दौरान फिल्मों में अभिनेत्रियों का होना सिर्फ प्रेम गीतों को फिल्माने के लिए जरूरी समझा जाता था लेकिन श्रीदेवी ऐसी अभिनेत्री बनकर उभरी जिन्हें हीरो से ज्यादा महत्व नहीं है बल्कि फीस भी ज्यादा मिलती थी नगीना फिल्म के लिए उन्होंने ऋषि कपूर से अधिक फीस ली थी श्रीदेवी ने लगभग सभी भाषाओं में फिल्मों में काम किया उन्होंने चांदनी से लेकर चालबाज और नागिन जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी साल 1988 में मिस्टर इंडिया करने के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था लेकिन 15 साल के बाद साल 2013 में उन्होंने मूवी इंग्लिश इंग्लिश से शानदार वापसी की इस मूवी के जरिए एक बार फिर श्रीदेवी ने ऑडियंस का दिल जीत लिया इसके बाद साल दो में श्रीदेवी फिल्म मॉम में अभिनय की जो मुख्य भूमिका में उनकी आखिरी मूवी थी हालांकि श्रीदेवी को आखिरी बार शाहरुख खान की मूवी जीरो में भी देखा गया था जिसमें उन्होंने कैमियो रोल निभाया था। की दो हजार अठारह अच्छा में दुबई के एक होटल के बाथरूम में मौत हो गई थी ऑटोपसी रिपोर्ट में उनके मौत का कारण उनका बाट में डूब, डूबना बताया गया था वे अपने पति बोनी कपूर और परिवार के साथ अभिनेता भतीजे मोहित मारवा की शादी के लिए संयुक्त अरब अमी रात में थी मशहूर हस्तियों और प्रशंसकों ने उनकी चौंका चौंकाने वाली अननेचुरल डेथ पर शोक व्यक्त किया था 1990 का दौर भारत में बड़ा ही उथल-पुथल वाला था राजनीति एकदम से बदल रही थी राम का नाम बेचा जा रहा था वहीं बॉलीवुड से कूड़ा रहा था सिनेमा के लिहाज से इसको बॉलीवुड का बबलू तो करते रामनवमी चल रही थी चेले चपाटी सब रामलीला देखने का प्लान बनाए थे शाम को सभी बबलू भैया के पास आए भैया चलते हैं अब देर का है महामानव बबलू भैया विचार में पड़े थे बोले तुम लोग चलो हम आते हैं हुआ ये था कि एक तरफ रामलीला हो रही थी वहाँ नेतागिरी दिखाने का मौका था दूसरी तरफ चालबाज लगी थी कृष्णा टॉकीज में किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की भैया कन्फ्यूजन में थे एक तरफ श्री राम थे दूसरी तरफ श्री देवी भैया रामलीला नहीं गए कृष्णा टॉकीज में श्रीदेवी के दर्शन कर लिए अगले दिन अड्डे पर लौंडा लफाड़ी सब भैया के चरित्र से नाखुश लग रहे थे सब चुप थे भैया मौका खोज रहे थे तभी एक ने बोल दिया हब की रामलीला में ड्रेस पर खर्चा हुआ है बस भैया ने धर लिया पॉइंट अब एक चुप बे का घूर रहे हो मंडोदरी की बात कर रहे हो क्या कल जो श्रीदेवी नाची है ना जो नाच है गुरु हम तो उसकी जांग पर फिदा हो गए लॉन्डो का मुंह स्याह हो गया भैया फिर गुरु साबित हुए तो बॉलीवुड की कड़की के दौर में सिक्का चलता था श्रीदेवी का उनकी जांघों पर फिदा राम गोपाल वर्मा ने अपनी आत्मकथा गर्ल्स एंड थाइज में बड़ी तफसील से इसका जिक्र किया है चालबाज उस दौर की मूवी थी जब श्रीदेवी को लेडी अमिताभ बच्चन कहा जाता था पर ये सही नहीं था श्रीदेवी ने खुद अमिताभ के साथ काम करने से मना कर दिया था श्रीदेवी बस श्रीदेवी थी अमिताभ भी श्रीदेवी नहीं हो सकते थे उस वक्त आज के दौर की हीरोइन नारी प्रधान रोल खोजती हैं आज से तीस साल पहले श्रीदेवी हर मूवी में हर हीरो के ऊपर रहती थी यश चोपड़ा ने कहा था कि अगर श्रीदेवी को फिल्म में ले लो तो फिर हीरो के बारे में नहीं सोचना पड़ता सलमान खान ने उस वक्त कहा था श्रीदेवी के साथ मूवी करना अच्छा तो है पर वो अपनी फिल्म के हीरो को कच्चा चबा जाती हैं बाजीगर पहले श्रीदेवी को लेकर लिखी गई थी इसमें वो काजोल और शिल्पा दोनों का रोल करती पर डायरेक्टर डर गए कि श्रीदेवी को मरता देख पब्लिक मूवी को मार देगी यही हुआ मूवी डर में पर वजह कुछ और थी श्रीदेवी ने कहा शाहरुख वाला रोल मुझे चाहिए मेरे रोल में पोटाश नहीं है इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि उस वक्त श्रीदेवी से बढ़िया वो रोल कोई नहीं निभा सकता था जिसको शक हो वो जुदाई और सदमा देख ले जुदाई ड्रेसी खबीचर फिल्म आप सिर्फ श्रीदेवी के लिए देखेंगे वो रोल जिसमें श्रीदेवी को देख खुन्नस भी आती है तरस भी आता है और प्यार भी आप बस उनको देखते रह जाते हैं सदमा मूवी में आप उनकी एक्टिंग पर फिदा हो जाते हैं बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों के जिक्र में सदमा बहुत ऊपर है फिर श्रीदेवी ने कुछ ऐसा किया है जो बॉलीवुड के इतिहास में अभी तक कोई हीरोइन नहीं कर सकी कॉमेडी सिर्फ मर्द करते हैं बॉलीवुड में पहले हीरोइन की कॉमेडी इतनी ही रहती थी कि किसी की उठ पटांग हरकतों पर कहे बड़े इंटरेस्टिंग आदमी मालूम होते हैं आप आपकी फिल्मों में आप कॉमेडी देखते ही हैं हिरोइन खोती कॉमेडी बन जाती है ग्रांड मस्ती पर श्रीदेवी ने कॉमेडी में गर्दा किया था चाहे वो चालबाज हो या फिर मिस्टर इंडिया आप बस देखते ही रह जाते हो मिस्टर इंडिया में चार्ली चापन का रोल श्रीदेवी ने किया था चालबाज में सनी देओल और रजनीकांत भी थे याद है किसी को श्रीदेवी का रोल रोला क्या था आप बस उनको याद रखते हैं हिम्मतवाला के गानों ने श्रीदेवी को बॉलीवुड में क्वीन बना दिया ताइया और नैनों में सपना गाने पर नाचती श्रीदेवी से हर किसी को इश्क हो गया श्रीदेवी एक ऐसी हीरोइन थी जिनको लेके आप किसी भी तरह का सपना देख सकते थे आप किसी को ये भी बता सकते थे कि मैं सपने में उनके साथ सुबह की चाय पी रहा था ये बात भी उतनी ही मादक थी जितनी की कोई और बात शायद इसलिए जब राम वर्मा ने श्री को बोनी कपूर के घर में चाय बनाते देखा तो चले आए रामो ने कहा इसके लिए मैं बोनी को कभी माफ नहीं कर सकता बॉलीवुड में शिव देवी तब आई जब वो तमिल फिल्मों में अपनी एक्टिंग की दादागिरी दिखा चुकी थी तेरह साल की उम्र में वो रजनीकांत की सौतेली माँ का कैरेक्टर निभा चुकी थी मतलब रजनी भी श्री के पांव छू चुके हैं मुंदरू मुदीजकू नाम की मुन्द्रू मुदिचू नाम था इस मूवी का फिर बॉलीवुड में सांपों को अमर कर दिया श्रीदेवी ने आज टीवी वाले हर चीज़ में सांप घुसाकर कर खुद को ड्रॉन स्नो समझ रहे हैं परीक्षाधारी नायन को लेकर आप श्रीदेवी के अलावा किसी को सोच ही नहीं सकते आज भी क्या भूल गए हैं चांदनी के गाने चांदनी श्रीदेवी की मूवी थी ऋषि कपूर साइड में थे उन गानों और श्री के कपड़ों की धूम उस वक्त थी वो जमाना श्रीदेवी का था करण जौहर मूवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं करण जौहर आपको टीवी शो पर जज करते भी नजर आ जाएंगे शो होस्ट करते भी और फिल्मों में एक्टिंग करते भी इनके फैशन सेंस की भी काफ़ी चर्चा होती रहती है शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी के पक्के दोस्त करण को बॉलीवुड सितारों के बच्चों को लॉन्च करने के लिए भी जाना जाता है तो कुल मिलाकर करण रोहर हमेशा ही खबरों में बने रहते हैं करण रोहर का जन्म 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ था स्कूल की पढ़ाई करण ने मुंबई के ग्रीन लायंस हाई स्कूल से पूरी की उसके बाद करण ने एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया उन्होंने फ्रेंच में मास्टर डिग्री हासिल की फिल्मों में आने से पहले से ही कारण जोहर राज कपूर यश चोपड़ा और सूरज बरजातिया से काफी प्रभावित रहे इनके फिल्मों में भी आपको ये इसकी झलक मिल जाएगी यश जौहर और हीरो जोहर के एक लौते बेटे कारण जौहर ने दुनिया भर में नाम कमाया है इनकी माँ जोहर यश चोपड़ा की छोटी बहन है धर्मा प्रोडक्शन हाउस के संस्थापक यश जौहर ने हमेशा से बेटे को फिल्मों में ही नाम कमाने की सलाह दी थी पर उस वक्त तक उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया करण ने अपने चचेरे भाई आदित्य चोपड़ा की दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगी जो कि 1995 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना फिल्मी सफर स्टार्ट किया ये मूवी ब्लॉग बोस्टर रही और इसी मूवी में शाहरुख खान के दोस्त के तौर पर करण नजर आए इस दौरान करण की दोस्ती खान से हुई और ऐसी हुई कि फिर दोनों ने साथ मिलकर कई हिट फिल्में दी अब करण ने खुद की मूवी दायरे करने की ठान ली है उन्होंने साल 1998 में मूवी कुछ कुछ होता है से बतौर निर्देशक अपना करियर स्टार्ट किया लव ट्रायंगल पर बनी ये मूवी ऑडियंस को काफी पसंद आई शाहरुख रानी मुखर्जी और काजोल के बीच की केमिस्ट्री हिट रही इस मूवी में करण ने लेखक के तौर पर भी काम किया कुछ कुछ होता है ने संपूर्ण मनोरंजन करने वाली बेस्ट पॉपुलर मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता इसने 44 फिफ्थ इसने फोर्टी फोर्थ फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूवी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सभी चार एक्टिंग अवार्ड अपने नाम किए करण जोहर के दमदार डायरेक्शन ही साबित कर दिया कि वो आने वाले समय के सितारे हैं साल 2001 में उन्होंने अमिताभ बच्चन जया बच्चन काजोल शाहरुख खान स्टारर कभी खुशी कभी कम बनाया इस मूवी में एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज था लोगों ने इस मूवी की तुलना यश चोपड़ा और सूरज बरजात या की फिल्मों से करनी स्टार्ट करती थी ये करण के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी साल 2006 में करण जोहर ने अपने डायरेक्शन में बनी कभी अलविदा ना कहना मूवी में एक नायक जिसकी जिंदगी के कम ही दिन बचे हैं और वो अपनी मोहब्बत को किसी और को सौंप देता है शाहरुख खान ने इस मूवी में आनंद के राजेश खन्ना की याद दिला दी करण को भी काफी तारीफ मिली थी इसके बाद इन्होंने साल 2010 में माय नेम इज खान बनाई और मूवी साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्मों के अलावा करण जोहर की पर्सनल लाइफ में भी लोगों को काफी इंटरेस्ट बना रहता है उनका अब तक सिंगल रहना और सरोगेसी से बच्चा करने को लेकर लोग काफी सवाल पूछते हैं करण के दो जुड़वा बच्चे हैं यश और रूही अपनी बायोग्राफी एन अनसर्टेबल बॉय में करण ने अपनी निजी जीवन से जुड़े कई राज खोले हैं करण ने फिल्मों के अलावा ओ और टीवी पर लोगों को एंटरटेन किया वो टीवी पर कॉफी विद करण नाम का शो होस्ट करते हैं इस शो में करण के सामने मूवी से जुड़ी मशहूर हस्तियां होती हैं जिनसे ये काफ़ी मज़ेदार सवाल पूछते हैं कॉफी विद कारण टीवी के काफ़ी पॉपुलर शो में से एक है फैंस इसके नए सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं बिग बॉस ओ के पहले होस्ट होने का रिकॉर्ड भी करण जौहर के नाम दर्ज है उन्होंने साल दो में ओ डी पर पहली बार आए बिग बॉस सीजन को होस्ट किया था करण ने बताया कि उनकी माँ शो की फान है और करण को इस होस्ट करते हुए देखकर काफ़ी खुश भी होती हैं जिगरा का टीजर ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है आलिया भट्ट और वेदांग रैना की जोड़ी ने धूम मचा दी है ट्रेलर देखकर ऑडियंस की उत्सुकता और उत्साह बढ़ गई है वहीं वेदांग रैना ने ना सिर्फ अपनी दमदार परफॉर्मेंस से बल्कि अपनी आवाज़ से भी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया वेदांग ने फूलों का तारका का ये नया वर्जन गाया है ये गाना जिगरा की थीम को खूबसूरती के साथ प्रस्तुत करता है गीत गाने का मौका मिलने पर अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर करते हुए वे वेदांत ने अपनी टीम द्वारा साझा किए गए एक प्रेस नोट में कहा जिगरा के लिए फूलों का तारों का गाना मेरे लिए कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था संगीत हमेशा से हमेशा से मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है जब निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर मेरे कुछ गानों को देखा तो उन्हें लगा कि ये इस मूवी के लिए एकदम परफेक्ट फ़िट होगा मैं रोमांचित हूँ कि मुझे इस खूबसूरत गीत को गाने का अवसर मिला खासकर तब जब ये टीजर के मूड को सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन क्या आपको पता है इस गाने का रियल वर्जन आखिर आया कहाँ से था यह खूबसूरत गाना फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का है देवानंद मुमताज़ और जीने तमान की मुख्य भूमिका वाली ये मूवी 14 जनवरी 1971 को रिलीज़ हुई थी मूवी में हिप्पी कल्चर और युवाओं के बीच नशे की लत को दिखाया गया था इस हिट मूवी को देवानंद ने ही लिखा था और निर्देशित भी किया था इस मूवी का आइडिया देव साहब को अपनी नेपाल विजिट के दौरान आया था काठमांडू में घूमते हुए उन्हें हिप्पी वहाँ रहते नजर आए थे और फिर वहीं से उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा का प्लॉट तैयार किया मूवी में भाई बहन का प्यार और नशे की लत से युवाओं का भविष्य खराब होना दिखाया गया था मूवी में जिनत ने देवानंद की बहन का कैरेक्टर निभाया था मूवी के हरे रामा हरे कृष्णा दम मारो दम दं, कांची हरे कांची गाने बेहद हिट रहे थे इसके साथ ही भाई बहन पर पिक्चराइज सॉन्ग फूलों का तारों का कहना है भी खूब पॉपुलर हुआ था मूवी का संगीत आदि बमन ने तैयार किया था फूलों का तारों का ये फिल्म में दो वर्जन रखे गए थे मेल वर्जन किशोर कुमार ने गाए थे और फीमेल वर्जन लता मंगेशकर ने रिकॉर्ड किया था किशोर्ता वाला वर्जन तो आज भी हिट है और हर राखी पर जरूर सुनाई देता है इस मूवी के लिए रीना दामान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म अफेयर अवार्ड भी मिला था वहीं मूवी के गाने दम मारो दम के लिए आशा भोसले को बेस्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट की मूवी जिगरा का पहला टीजर ट्रेलर आया है इस मूवी को मर्द को दर्द नहीं होता वालेwasm वाला ने बनाया है जिगरा को करण जौहर ने अपने बैनर धर्मा के तले प्रोड्यूस किया तो पिछले साल ये मूवी अनाउंस की गई थी तभी से जनता में हाई बनने लगी थी पहले वजह तो फिल्म के डायरेक्टर वासन बाला हैं उन्होंने अब तक जितना भी काम किया क्वालिटी डिलीवर की है दूसरी तरफ आलिया भट्ट भी बीते कुछ सालों से अलग अलग कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं जिगरा के टीज़र ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि ये सिनेमा घरों में माहौल बना देगी टीजर की शुरुआत में आलिया का कैरेक्टर किसी से कह रहा होता है कि कैसे उनके पेरेंट्स नहीं हैं जिस रिश्तेदार ने बना दिए उसने फिर से बहुत कुछ गलत किया इस दुनिया में अपना कहने के लिए उसके पास सिर्फ अपना छोटा भाई ही है छोटे भाई का रोल वेदांग रैना ने किया है किसी वजह से वो विदेशी जेल में बंद है अब आलिया का किरदार कुछ भी करके उसे वहाँ से निकालना चाहता है एक जगह मनोज भवा का किरदार कहता है कि बच्चन नहीं बनना है सिर्फ बच के निकलना है इस पर आलिया भी कहती है वो तो अब तो बस बच्चन ही बनना है मेकर्स ने टीजर में फूलों का तारों का गाने को रिक्रिएट किया है ये वर्जन वेदांग रैना ने ही गाया है ये ओरिजिनल गाना साल नाइनटीन में आई हरे कृष्णा हरे रामा फिल्म में था मूवी में देवानंद और जीनत अमान भाई बहन थी कहानी यही थी कि एक भाई अपनी बहन को ढूंढने और उसे बचाने निकल पड़ता है वहीं जीनत के किरदार को ड्रग्स से बचाने की कोशिश करता है हिंदी फिल्म इतिहास में 1970 के दशक में जीनत अमान का नाम लिए बिना अधूरा होगा परवीन बाबी के साथ उन्होंने सिनेमाई जगत में धूम मचा दी थी अपने समय में जीनत अमान सबसे अधिक फीस लेने वाली एक्ट्रेस लिस्ट में शामिल थी साथ ही एक ऐसे कलाकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा में सौ से अधिक फिल्मों में काम किया और 19 फिल्मों का निर्देशन भी किया था आपको बता दें कि सुपरस्टार का नाम था देवानंद इन्हीं में से एक फिल्म देवानंद ने निर्देशित की थी जिसका नाम था हरे रामा हरे कृष्णा ये मूवी साल 1971 में रिलीज हुई थी और फिल्म सबसे बड़ी हिट भी साबित हुई लेकिन इस मूवी को बनाने के पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है एक समय देवानंद अपने काम के सिलसिले में काठमांडू गए हुए थे उनके पास एक किसी जर्मन दोस्त का कॉल आया था और उनका दोस्त एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था जिसके चलते वो शूटिंग के लिए काठमांडू में गया हुआ था जब दोनों नेपाल में मिले तो उनके दोस्त ने एक जगह के बारे में बताया जहाँ बाहर से लोग आकर पार्टीज करते थे फिर क्या था इस माहौल को देख देवानंद साहब पहुंच गए और उन्होंने देखा कि जवान लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे हैं उस पार्टी में देवानंद की नजर एक लड़की पर पड़ी देखने में वो लड़की बिल्कुल भी फॉर्नर नहीं लग रही थी देवानंद ने एक वेटर को बुलाकर उस लड़की के बारे में पूछा फिर क्या था अगले दिन वेटर ने उस लड़की की मीटिंग करवा दी उस लड़की का नाम था जसबीर लेकिन वो अपने आप को ड्रेनिस कह करती थी वो लड़ती कनाडा की और रहने वाली थी और अपने घर में भाग कर आई थी जेनिस की कहानी को सुनकर देवानंद को अपनी नई मूवी के लिए कहानी मिल गई थी जेनिस के किरदार के लिए देवानंद ने फिल्म में जीनत तमान को लिया था जिकरा में इसी नैरेटिव को फ्लिप कर दिया गया यहाँ बहन एक भाई को बचाने निकली है टीजर का सबसे मजबूत पक्ष है कि ये मूवी विजुअली फ्रेश और ओरिजिनल लगता है ज्ञानी ध्यान बहस कर सकते हैं कि ऑरिजनल जैसा कुछ भी नहीं है और हायर चीज़ एक दूसरे से किसी ना किसी तरह प्रेरित है लेकिन जैसा फ्रेंच न्यू वेब जनक गोदार ने कहा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कहाँ से कुछ लिया है फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने उसे कहाँ लेकर कहाँ पर रखा है किस लेवल पर पहुँचाया है जगह कि कुछ शॉर्ट्स देकर किसी जापानी एक्शन मांगा की भी याद आती है मांगा एक खास तरह की डिज़ाइन वाली कॉमिक्स होती है बाकी रीज़र को इतने कायदे से काटा गया है कि पूरी कहानी का कोर इमोशन भी आप तक पहुंच है लेकिन आपको किसी किरदार के नाम तक की भयानक आई मीन भयानक तक नहीं लगती जो जिज्ञासा बनी रहती है कि ये लड़की खुद से इतना सब कुछ कैसे करेगी बता दें कि जिगरा ग्यारह अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली और इसके साथ साथ और भी कई फिल्में हैं जो रिलीज होंगी सबसे अहम बात तो रजनीकांत की मूवी और 10 अक्टूबर दो को कंगुआ जो कि मूवी है बहुत ही सुपरहित मूवी लग रही है वो भी रिलीज होगी और ग्यारह को ये तो क्लैश तो होगा भयंकर विधु विनोद चोपड़ा ने अभी अभी ट्वेल्थ फेल जैसी हिट फिल्म दी थी प्रोड्यूसर के तौर पर भी वो थ्री इडियट्स पी के संजू जैसी फिल्मों से जुड़े रह चुके हैं मगर उनकी मूवी मुन्ना भाई फ्रेंचाइज सबसे आइकॉनिक मानी जाती है इस मूवी ने संजय दत्त के करियर की दशा दिशा बदल कर रखी थी हाल ही में विधु ने इस मूवी की कास्टिंग के बारे में बात की

कैलॉग मैनेजमेंट स्कूल में विधु ने कहा कि मुन्ना भाई एम बी में उन्हें सैंड्रे को लीड रोल में कास्ट करने का कोई इरादा नहीं था विधु ने कहा सैंड्रे जेल गए मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता था पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उन पर बैन लगा रखा था लेकिन मुझे लगा कि ये सही नहीं है इसलिए मैं उनके घर गया और एक मूवी की अनाउंसमेंट की उनके पिता सुनील दत्त ने कहा कि मुझ पर भी बैन लगा दिया जाएगा लेकिन मैंने दत्त साहब को कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विधु इस बातचीत में आगे जोड़ते संजय फिर जेल से बाहर आते हैं मुझे पता चला कि वो मुझसे मिलना चाहते संजय ये भी चाहते हैं कि मैं उनकी फिल्मों में वापसी करवाऊं मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ कभी फिल्म नहीं बनाऊंगा फिल्म की अनाउंसमेंट इसलिए की क्योंकि वो करना मुझे सही लगा संजय बहुत ही सरल व्यक्ति है। एक अच्छा आदमी लेकिन चाहता हूँ मूवी नहीं, नहीं बना सकता हूँ क्योंकि तो मैं अपनी अच्छी रीत को खराब नहीं करना चाहता हूँ फिर विधु ने बताया कि संजय को मुन्ना भाई एम में लीड रोल कैसे मिला विधु कहते जब मैंने उन्हें जिमी शेरगिल का किरदार ऑफर किया वो तुरंत मान गए इसके आ, कुछ दिनों बाद ही शाहरुख मेरे पास आए उनके गले में कुछ गड़बड़ थी इसलिए मैंने फैसला किया कि संजय दत्त ही सही व्यक्ति हैं मैंने उनसे कहा आप मुन्ना भाई कर रहे हो और वो इतने सिंपल आदमी है उन्होंने कहा मुझे पता है मैंने कहा नहीं वो रोल नहीं मैंने मुन्ना भाई उन्होंने कहा ठीक है अगर आप कह रहे हो तो मैं ऐसा ही करूँगा मितु ने आगे कहा संजय कभी भी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते उन्हें काम पर लेट आने की आदत थी इसके कारण राजू यानी राजकुमार हिरानी अक्सर मुझे कॉल करते थे वो कहते सर वो संजय अभी तक सेट पर नहीं आए हैं जब मैंने उन्हें फ़ोन करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया संजय दत्त की मुन्ना भाई एम साल दो में रिलीज़ हुई थी इस मूवी ने संजय के करियर को नया जीवन दिया मूवी ने चौतीस करोड़ का की की लग, अभी अभी ज्र, अभी राजू हिरानी ने फ्रेंचाइज की तीसरी किश्त की भी स्क्रिप्ट लिख ली है मूवी का एक हिस्सा शूट भी कर लिया गया था उस मूवी को मुन्ना भाई चले अमारिका नाम से बनाया जा रहा था इस मूवी का एक ट्रेलर आज भी यूट्यूब पर मौजूद है बीते दिनों जब हिरानी ने शाहरुख खान को लेकर डंकी बनाई तो कहा कि राजू ने मुन्ना भाई थ्री की स्क्रिप्ट को थोड़ा सा ट्वीट करके डंकी बना दी मगर राजू ने ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया उन्होंने बताया कि मुन्ना भाई चले अमेरिका की कहानी में मुन्ना और सर्किट अमारिका जाकर जॉर्ज बुश को किडनैप करने वाले थे टंकी की स्क्रिप्ट इससे बिल्कुल अलग है संजय दत्त पिछले कुछ सालों से साउथ सिनेमा में बहुत ही एक्टिव हो गए हैं बॉलीवुड फिल्मों तो वो कर ही रहे हैं मगर उनका नाम कई पॉपुलर साउथ फिल्मों से भी जुड़ गया जैसे कि के जी एफ टू के डी और अब डबल आई स्मार्ट में भी संजय दत्त नज़र आने वाले हैं इन्हीं फिल्मों पर बात करते हुए संजय ने कहा कि उन्हें विलन का रोल करने में मजा आता है बहुत कुछ करने को मिलता है संजय दत्त इन दिनों दिन अपनी मूवी डबल आई स्मार्ट का प्रमोशन कर रहे हैं जिसे पूरी जगन्नाथ ने डायरेक्ट किया है इस मूवी में भी संजय विलन बने हैं मुंबई में इसी मूवी के लिए इवेंट में संजय ने बताया कि साउथ की फिल्मों में आखिर क्यों वो विलन का रोल करना चाहते हैं संजय ने कहा मुझे लगता है कि मेरे लिए चैलेंज ऐसा है नेगेटिव रोल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत कुछ करने को मिलता है मारने को मिलता है मार खाने को मिलता है रेप तो अब कट गए हैं लेकिन ये अच्छी बात है कि बतौर एक्टर मेरे पास बहुत कुछ होता है करने को नाम ने संजय को आत्मविश्वास दिया था मज़ेदार बात ये हुई कि उनको नया नाम भी मिला इससे पहले फिल्म के क्रेडिट में अंग्रेज़ी में उनका नाम संजय लिखाया जाता था यानी एस यू एन जे ए वाई अब वो बदल कर एस ए एन जे वाई कर दिया गया संजय को ये साबित करना था कि नाम की सफलता तुक्के से नहीं आई थी ये बात सच है कि संजय को कभी भी महान अभिनेता के रूप में नहीं देखा गया लेकिन 1980 के दशक के आखिरी वर्षों और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों के दौरान संजय बड़े स्टार थे और उनके चाहने वाले ऑडियंस की बड़ी तादाद हो गई थी खासकर छोटे शहरों में लोग उनके बारे में जानने को लेकर एक्साइटेड थे उनकी मां की मृत्यु की त्रासदी उनके ड्रग एडिक्शन उनका बेहद सार्वजनिक प्रेम और ब्रेकअप्स फिल्मों में उनकी वापसी जिन में तराशा हुआ उनका मर्दाना शरीर उनके लंबे बाल पर्दे के बाहर के जीवन में उनकी बदमाशिया हाँ जहाँ तक पर्दे से बाहर की दुनिया में नाटकबाजी की बात हो तो संज्र ने कभी निराश नहीं किया नाम की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिलिपींस की शाह नाम की एक एयर होस्टेस से हुई और उससे उसको प्यार हो गया लेकिन ये रोमांस बहुत ही कम दिनों के लिए चला कहा जाता है कि संजय ये चाहते थे, थे कि शाह अपना करियर छोड़ दे और उनके साथ हो जाए लेकिन जल्द ही शाह ने ये फैसला कर लिया कि संजय के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं था कुछ ही हफ्तों में संजय ने अभिनेत्री किमी काटकर की तरफ रुख किया किमी काटकर की फेमस आ, थी कारण था कि बी श्रेणी की एक फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन जो कि नाइनथीन एटी फाइव में जिसमें उन्होंने बोल्ड सीन्स दिए थे और अब वो कुछ फिल्मों में संजय दत्त के साथ काम भी कर रही थी जब संजय से पूछा गया कि क्या वो उनको लेकर गंभीर थे तो संजय का जवाब था एक तरह से हाँ उन्होंने आगे कहा इस समय मैं बहुत ही मस्ती कर रहा हूँ और यही काफ़ी है जब मैं किसी लड़की के साथ होता हूँ तो उससे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे साथ डिस्को रेस्टरों में खुल कर जाए वैसे ये रिश्ता अधिक गंभीर लग रहा था जैसा कि एक पत्रिका में ये भी लिखा गया कि एक समय ऐसा भी था कि जूनियर दत्त किमी के कोलाबा स्थित फ्लैट में जाते थे और उन पकवानों का आनंद उठाते थे जिसे टीना काटकर तौर पर उनके लिए बनाती थी यानी मा का टीना काटकर कौन थी तो वो किमी की माँ थी लेकिन ये रोमांस अचानक तब खत्म हो गया जब एक नई लड़की का संजय के जीवन में आगमन हो गया उन दिनों मूवी मैगजीन ने आ, कवर स्टोरी की थी संजय ने रिचा के लिए कम कीमी को धोखा दिया ऋचा शर्मा का जन्म एक पंजाबी परिवार में 1963 में हुआ था लेकिन वो जब वो बच्ची थी तभी अपने माँ पिता के साथ न्यूयॉर्क चली गई थी 1977 में देवानंद ने फिल्म देश परदेश का प्रीमियर न्यूयॉर्क में आयोजित किया फिल्मों की रानी मानी हस्ती और चुनिंदा गणमान्य लोग देवानंद के आसपास थे जो शाम के स्टार थे लेकिन देव की आंखें एक लंबी गौरी 14 साल की लड़की के ऊपर टिकी हुई थी जो उस प्रीमियर में एक रंगीन ऑटोग्राफ बुक लेकर आई थी देव ने उनसे नाम पूछा ऋचा शर्मा उसने जवाब दिया उन्होंने ऑटोग्राफ बुक में हस्ताक्षर किए और उसे पूछा कि क्या वो फिल्मों में काम करना चाहती है उसने कहा हाँ इस बात को सालों गुजर गए और उस बातचीत के बारे में वो भूल भी गई लेकिन देवानंद नहीं भूले 1984 में एक शाम रिजा को भारत से एक फोन आया वो फोन देवानंद का था उन्होंने बड़े उत्साह के साथ जोर से कहा मेरे पास तुम्हारे लिए रोल है क्या तुम अभी भी करना चाहती हो रिजा के लिए ये सपने की सच होने जैसा था देव के बुलावे पर वो जल्द ही मुंबई आ गई ये मूवी थी हम नौजवान 1985 और त्रिजा को, को देवानंद की नई खोज बताया गया अन्य प्रमुख खोजों में थी जीनत अमान और टीना मुनी देखते ही देखते ही उसको अनिल कपूर रैगी श्रॉफ शेखर सुमन और संजय दत्त के साथ भूमिकाओं में प्रस्ताव दिए जाने लगे तकरीबन इसी समय उनकी मुलाकात संजय दत्त से हुई संजय ने वो मुलाकात याद करते हुए बताया कि किस तरह 1985 में पहली मुलाकात में संजय त्रजा के ऊपर मुहित हो गए थे ऋचा ऋचा मैं ऋचा से पहली बार अपने किसी मूवी के मुहूर्त पर सी रॉक होटल में मिला था उसने जीन्स और बहुरंगी टॉप पहन रखी थी मैंने पूछा कि वो कौन थी कुछ दिन बाद मैंने उसको फोन किया और अपने साथ चलने के लिए कहा मुलाकातें होती रहीं और प्यार हो गया संजय हमेशा किसी नए रिश्ते की शुरुआत में जोश में रहते थे हर नए रिश्ते के साथ बड़ी बड़ी उम्मीदें और बड़ी बड़ी संभावनाएं जुड़ी होती थी लेकिन ऐसा लगता था कि उनके रिश्ते को उसी तेज़ी से बिखर जाना तय होता था जिस तेज़ी से वो शुरू होते थे उसी तेजी से वो अपना भविष्य देख रहे थे मुझे ये बात जल्द ही समझ आ गई कि रिचा उन लड़कियों से अलग थी जिनको मैं पहले जानता था वो ना तो सोच समझ कर हिसाब लगाने वाली थी ना ही किसी तरह से मोल तोल करने वाली ना ही वो पैसों के पीछे थी वो एक साधारण लड़की थी एक ऐसी इंसान जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो मैं उसके बिना और नहीं रह सकता था संजय ने उस समय कहा हालांकि संजय इस बात को जानते थे कि रिचा न्यूयॉर्क में अपने माता पिता को इसलिए छोड़कर आई थी कि हिंदी फिल्मों में काम कर सके लेकिन हमेशा की तरह वो चाहते थे कि उनकी स्त्री उनके लिए अपना काम छोड़ दे मैंने उनसे शादी करने का फैसला किया मैं ये शादा था कि वो मेरे लिए हमारे होने वाले बच्चे और हमारे घर के लिए अपनी फिल्मी करियर छोड़ दे वो मान गई वैसे भी वो कोई खास महत्वाकांक्षी नहीं थी संजय ने बताया साफ थी कि शादी के बाद पत्नी को घर बिठाने के मामले में वो पूरी तरह से अपने पापा के बेटे थे बंदूकों का शौकीन और मर्दानगी की पहचान लिए एक बिगड़ा शहजादा किसी का नायक है तो किसी के लिए खलनायक संजय के लिए जिस आजादी का सपना उनके पिता ने देखा था आज वो उनके हिस्से आ चुकी है एक बड़ा भवर थम चुका है और इतिहास के पन्नों पर तमाम कहानियां हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है हाँ हाँ मैं हूँ खलनायक स्लोगन और हाथों में हथकड़ी लगाए संजय दत्त के पोस्टर गली गली लग चुके थे वो दौर था जब मुंबई ब्लास्ट मामले में संजय से पूछताछ पर पूछताछ चल रही थी दत्त परिवार एक बड़े भंवर में फंसता जा रहा था ऐसे में उन्हें सुभाष घई का ये तरीका ज़रा भी पसंद नहीं आया कि संजय की फिल्म खलनायक का इस तरह से प्रचार किया जाए इसमें साफ तौर पर अवसरवादता नज़र आ रही थी लेकिन घई का इस मामले में इतना ही कहना था कि फिल्म के प्रमोशन की रणनीति बहुत पहली बना चुकी थी इसलिए ये कहना कि संजय की मौजूदा हालत को कैश करने के लिए इस तरह का प्रमोशन हो रहा है तो ये गलत है साल 1993 में खलनायक के रिलीज होने से पहले ही संजय खलनायक बन चुके थे संजय एक बार फिर मीडिया में छा चुकी थे लेकिन इस बार उनकी छवि एक बैड बॉय की थी वैसे संजय हमेशा मीडिया के केंद्र में रहे इस बैड बॉय की कहानी में अगर रिवर्स गेयर डाला जाए तो संजय का नाम भी एक मैगजीन की मदद से पड़ा बात उन दिनों की है जब सुनील दत्त और नरगीस एक दूसरे के प्यार में थे दिन रात का साथ और भविष्य को बुनना व्यक्ति जब प्यार में होता है तो वो ना जाने कितने ख्वाब देखता है तरह तरह के नामों से अपने प्रेमी को पुकारता है ऐसे में सुनील दत्त नरगीस के लिए एल्विस प्रेस्ली थे नर्गीस उन्हें इसी नाम से पुकारती थी भविष्य के तमाम ख्वाब में ख्वाब जूनियर प्रेसली का भी देखा गया जो 29 जुलाई 1959 की रात दो बजकर फोर्टी मिनट पर सच हुआ लेकिन जब जूनियर के नाम रखने की बारी आई तो इसके लिए खास कंपटीशन का आयोजन किया गया उस दौर की चर्चित फिल्म मैगज़ीन शमा से सुनील और नर्गीस के चाहने वालों से सुझाव मांगा गया कि वो बताएं इस नए मेहमान का नाम क्या रखा जाए जिसमें सबसे ज्यादा सुझाव नाम जो आए थे वो ये थे कि संजय कुमार जूनियर प्रेसली का जन्म दत्त परिवार के लिए भाग्योदय जैसा रहा सुनील सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हो चुके थे उनकी फिल्मों में अब कमाल होने लगा था अब उनके पास बेहतरीन फिल्मों के ऑफर्स थे इसी बीच उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की कंपनी का नाम रखा गया अजंता आर्ट्स ये सुनील के सबसे बड़े सपनों में से एक था अजंता आर्ट्स में वो उनकी क्रिएटिव चाहतों को पूरा करना चाहती थी इसी बैनर के तले मुझे जीने दो सबसे पहली मूवी बनी इस सब के बीच जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो थी नरगिस और संजय के बीच का प्यार संजय के पैदा होने के बाद नरगी से एक बेबी बुक भी लिखती थी जिसमें वो संजय के हवाले से हर एक घटना पढ़नों पर उकेर देती थी वो संजय को लेकर जहाँ भी जाती देखी गई हर एक घटना को संजय की नज़र से उस बेबी बुक में दर्ज करती गई जिसमें उन्होंने अनंता आर्ट्स बानर के तले बनने वाली पहली मूवी के मोरू शॉर्ट वाले दिन लिखा आज मेरी और मेरे पापा का जिंदगी में एक महत्वपूर्ण घटना हुई मुझे जीने दो तो के मुहूर्त शॉट के लिए मुझे अंधेरी के मोहन स्टूडियो ले जाया गया वो अनुभव भी क्या ही मज़ेदार था मैं पापा को पहचान ही नहीं पाया उन्होंने डाकू जैसे कपड़े पहने हुए थे और काफ़ी डरावने भी लग रहे थे मैं उनके पास तभी गया जब उन्होंने मुझे बुलाया और मुहूर्त शॉट के लिए मैंने कैमरा चला दिया मैंने दिल ही दिल में भगवान जी से प्रेयर भी की कि वो पापा का ध्यान रखें मैं पापा के लिए खुशकस्मत साबित हो लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरकीस दत्त के बेटी संजय ने महज चौंतीस साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर मूवी संजू जो कि 2018 में बनी थी महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नर्गिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया था एक बार तो नशे में संजय दो दिनों तक सोए रहे बम ब्लास्ट में नाम आया जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे पिता सुनील दत्त और मां के साथ ने उन्हें नशे से निकाला सालों तक कोर्ट में चक्कर काट कर आरोपों से मुक्ति पाई और अब लंग कैंसर की थर्ड स्टेज से भी निजात पा ली है आज संजय दत्त के जन्मदिन पर पढ़िए आज जानेंगे कि संजय दत्त से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस द छह साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गई एक दिन की बात है जब सुनील शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेले थी माँ को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली नरगिस छः साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गई लेकिन संजय नहीं माने पिटाई हो रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त छूरे ख़त्म कमरे में दाखिल हुए नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा इसे सिगरेट पीने दो सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई एक कष्ट लिया धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी उन्होंने कहा धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो उन्हें लगा था कि बेटा कश लेते ही खास खांस कर रह जाएगा और घुटन से जिद्द छोड़ देगा लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे बोरी की बोरी सिगरेट पी गई सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नर्गीज़ पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त तो सिगरेट पीने के बाद बच्ची खोची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना स्टार्ट कर देते थे लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त छोड़ पहुंच तो उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है उन्हें लगा कि कहीं आग तो नहीं लगी जैसे ही छुपकर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे सुनील साहब ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी इसके बाद संजू को बोरिंग स्कूल भेज दिया गया संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड़ प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज़्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बताते थे आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को साथ घर ले आते जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाज़ा लगा लेते देखते देखते माँ नरगीज़ उनके इस बर्ताव से चढ़ने लगी एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगी संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है समझ नहीं आ रहा क्या बात है कहीं वो गे तो नहीं है नरगीज़ की कॉल पर हुई ये बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देख सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन फिल्म रेशमा और शेरा की कव्वाली में संजय को जगह दी थी जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके रोज बढ़ चढ़ कर कहते कि तू तो हीरो जैसा दिखता है फिर क्या था संजय भी चढ़ गए और घर आकर मा नर सर से कह दिया कि मुझे हीरो बनना है जी ने पति सुनील को मना लिया पहले संजय को एक्टिंग ही ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी ट्रैक की इसी मूवी की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया संजय दत्त अपने माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे इन ड्रग्स में कोकेन हेरोइन जैसे हर ड्रग्स थे जो मार्केट में मिलते थे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की शूटिंग का पहला स्केड्यूल कश्मीर में 20 दिनों का था तब तक संजय ड्रग एडिक्ट बन चुके थे नशे का सामान वो साथ ले गए थे और समय समय पर इस्तेमाल करते थे यही कारण रहा कि वो पिता सुनील दत्त से दूरी बनाए रखते थे पहला सीन हुआ जिसमें उछल कूद करते हुए संजय ने बेहतरीन शॉट दिया और सेट तालियों से गूंज उठा एक दिन सुनील दत्त ने तो एक दिन सुनील दत्त ने एक सीन पर चर्चा करने के लिए नौकर से कहा कि जाओ संजू बाबा को बुला कर ले आओ वो नौकर उन्हें बुलाने पहुंचता है उससे पहले ही संजय दत्त नशा कर चुके थे नशे ने भी अपना काम दिखाना स्टार्ट कर दिया और जब संजय सुनील दत्त के पास पहुंचे तो वो नशे में धुत थे संजय को देकर पिता के होश उड़ गए नाराजगी रही लेकिन अपने सदमे को उन्होंने दूसरे लोगों से छिपा रखा और घर पहुंचने के इंतजार में खामोश रहे जब शूटिंग के दौरान की तबीयत नाजुक हुई तो सुनील दत्त फिल्म का निर्देशन राज खोसला के छोड़ कर के भरोसे निकल गए मूवी में संजय की भूमिका निभाने वाले थे लेकिन उनकी जगह विनोद खन्ना को कास्ट कर लिया गया नरगीस ने रॉकी फिल्म के कुछ ट्रंक स्पेशल स्क्रीनिंग में देख लिए थे लेकिन वो पूरी मूवी नहीं देख पाई प्रीमियर में संजय दत्त और सुनील के बीच नरगीस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी सुनील साहब और नरगीस के हर वफादार फैन ने उनके बेटे की एक झलक पाने के लिए थिएटर हाउसफुल कर दिए और इसका फ़ायदा मूवी को मिला फिल्म रॉकी हिट रही और संजय को कई फिल्मों के लिए ऑफर मिलने लगे लेकिन वो नशे के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके थे एक दिन संजय ने इतना नशा कर लिया कि वो खुद डर गए होश आते ही संजय दत्त दौड़ते हुए सीधे पिता सुनील दत्त के पास पहुंचे और कहा मैं मर रहा हूं प्लीज़ मुझे बचा लो सुनील साहब ने संजय को तुरंत मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां वो इक्कीस दिनों तक रहे वहां से निकलते ही सुनील दत्त उन्हें अमेरिका के रिहाब सेंटर ले गए नशे से निजात पाकर संजय ने लगातार तेजाब खतरनाक जहरीले थानेदार जैसी कई हिट फिल्में दी संजय ने ऐसी बॉडी बनाई कि लोग उनकी मिसाल देने लगे थे 1990 में रिलीज़ हुई मूवी जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी जिसे देखने के लिए ब्रोज भीड़ लगती थी उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे एक दिन बीत गया दो दिन बीत गया और तीसरा दिन आया लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे कमेंट कर रहे थे तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की फरहा और सोना पर की, फिर उन्हें बाहर मल, फिर पहुंचे तो लड़के और भीड़ भी लग गए थे संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो संजय उनको पीटने का मन बनाकर अपने साथ जापान से खरीदी हुई तलवार लेकर पहुंचे संजय उन लड़कों के पास गए और अपनी तलवार लहराने लगे संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंच गए और वो बदमाश लड़के रफु चक्कर हो गए बचपन से आलिया भट्ट ने एक्ट्रेस बनने का सपना तो देखा ही था लेकिन एक्ट्रेस बनने के अलावा आलिया ने एक और सपना देखा था जो आगे चलकर पूरा भी हुआ आलिया बचपन से ही रणबीर कपूर से शादी के सपने देखा करती थी जी हाँ आलिया ने बताया था कि रणबीर कपूर उनके क्रश हुआ करती थी साल 2013 में जब आलिया भट्ट कॉफ़ी विद करण के शो में पहुंची तो उन्होंने अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए बताया कि कैसे ब्लैक के सेट पर वो रणबीर कपूर को देख उन्हें अपना दिल थमा चुकी थी ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि आलिया भट्ट के दिल में रणबीर कपूर के लिए हमेशा से एक स्पेशल जगह बनी हुई थी लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर रणबीर कपूर के दिल में आलिया के लिए प्यार कब जागा दरअसल हुआ यूँ था जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के लिए ट्रैवल कर रहे थे तो इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती कब धीरे धीरे प्यार में तब्दील हुई इसका अंदाज़ा इन दोनों को नहीं हुआ साल 2018 में रणबीर कपूर और आलिया के रिलेशनशिप की खबरें उड़ने लगी थी लेकिन इन खबरों पर मोहर तब लगी जब रणबीर आलिया पहली दफ़ा सोनम की शादी में एक साथ हाथों में हार डाले पहुंचे। आलिया भट्ट की ज़िंदगी में रणबीर कपूर के अलावा उनके परिवार के लिए भी एक स्पेशल कॉर्नर बनता जा रहा है साल दो में ऋषि कपूर जब न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवा रहे थे, तब आलिया भट्ट उनसे मिलने वहाँ पहुँची थी जिसके बाद से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर सोशल मीडिया पर अक्सर कपल गोल सेट करते नज़र आए आलिया भट्ट ने रणबीर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में स्पेशल अनाउंसमेंट भी की थी एक साथ घूमने फिरने से लेकर परिवार वालों के साथ स्पेशल डिनर पार्टी में जब वो कपल एक साथ नज़र आने लगे तो इन दोनों की शादी की खबरें भी हो बढ़ने लगी और साल 2022 में 14 अप्रैल को इस कपल ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की प्रेम कहानी के यूँ तो कई किस्से हैं आज आपको वो उनके प्यार के रियल लव स्टोरी बताते हैं जिसके बारे में उनके किसी दोस्त या परिजन ने नहीं बल्कि खुद आलिया ने जिक्र किया था जमीन नहीं आसमान में लड़े थे नैन आलिया भट्ट ने अपनी लव स्टोरी के बारे में कॉफ़ी विद करण सीजन सेवन में खुलासा किया था उन्होंने बताया था कि कैसे जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में उन दोनों के प्यार के रिश्ते की शुरुआत हुई आकृष ने कहा था हम दोनों ब्रह्मास्त्र के लिए एक वर्कशॉप अटेंड करने तेल अवीव जा रहे थे मुझे याद है कि उन्हें मेरे साइड में बैठना था और मैं इसके लिए बेहद एक्साइटेड थी रणबीर मैं साइड वाली सीट पर बैठे और उनकी सीट में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से क्रू उन्हें कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले थे आलिया को जब लगा टूट गया सपना आलिया ने आगे बताया जैसे ही मुझे इस बारे में जानकारी हुई तो आई वॉज लाइक ये क्यों हो रहा है मेरा सपना क्यों टूट रहा है हालांकि थोड़ी देर बाद उनकी सीट ठीक हो गई और फिर वो अपनी जगह पर आ गए फिर हमारी बातचीत स्टार्ट हुई बातचीत स्टार्ट हुई तो रणबीर ने कहा कि वो भी मेरे साथ बैठना चाहते हैं उन्होंने कहा मैं बहुत ही इरीटेटेड हो रहा था इस सीट को अभी ख़राब होना था जब हम दोनों साथ में इतने अच्छे से बैठे थे शो के दौरान आलिया ने कहा था तो प्यार की शुरुआत वहीं से हुई बाकी तो सब आपके सामने हैं चार साल तक रिलेशनशिप में रहे रणबीर और आलिया रणबीर और आलिया इसी मुलाकात से करीब आए फिर चार साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो अपने रिश्ते को नया नाम देंगे शादी से पहले दोनों दूसरे के परिवारों के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी शेयर करने लगे थे में में किया था प्रपोज कॉफी विद करण सीजन सेवन में ही आलिया भट्ट ने बताया था कि रणबीर कपूर ने उन्हें कैसे प्रपोज किया था एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें उनकी इसकी उम्मीद नहीं थी आलिया ने बताया कि वो लंबे समय से इसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन तंजामिक के दौरान उन्होंने इस बारे में बात नहीं करने का फैसला किया रणबीर ने वही किया आलिया ने बताया कि रणबीर हर जगह अंगूठी साथ लेकर घूमते थे और उन्होंने आलिया को सबसे अद्भुत जगह मसाई मारा में प्रपोज किया था 28 सितंबर 1982 को जन्मे रणबीर कपूर का नाम उनके दादाजी के नाम पर रखा गया था जिसका पूरा नाम रणबीर राज कपूर था रणबीर कपूर पढ़ाई में कमज़ोर थे और नीचे से पांच छात्रों में जगह बनाते थे रणबीर कपूर दसवीं कक्षा के बाद पिता ऋषि कपूर द्वारा निर्देशित मूवी आ अब लॉर्ड चले में असिस्ट करने के लिए उनके साथ अमेरिका गए थे और इसी दौरान पिता के साथ उनके संबंध प्रगाढ़ हुए थे रणबीर कपूर न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट से फिल्म मेकिंग और ली स्टार्स बर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट से मेथड एक्टिंग के कोर्स कर चुके हैं इन कोर्स के बाद रणबीर ने निर्देशक संजय लीला भंसाली को फिल्म ब्लैक में असिस्ट किया था सावरिया रणबीर की पहली मूवी है रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सावरिया में उनका रोल उनके दादाजी राज कपूर को श्रद्धांजलि के तौर पर लिखा गया था रणबीर कपूर उनके पिता ऋषि कपूर की फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं वहीं मम्मी नीतू कपूर को फिल्म में देखने में उन्हें झिझक महसूस होती है रणबीर कपूर बचपन में उनके पिता ऋषि कपूर से बहुत डरते थे क्योंकि वो बहुत ही सख्त पिता थे कपूर खानदान के अन्य लोगों की तरह रणबीर कपूर भी खाने के बेहद शौकीन हैं उनके खास पसंदीदा खानों में नॉनवेज और वेज दोनों प्रकार की डिश शामिल होती है रणबीर कपूर उनकी मम्मी नीतू कपूर के बहुत ही गरीब हैं रणबीर के नाखून अभी भी मम्मी नीतू ही काटती हैं और उन्हें फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ हफ्ते की पॉकेट मनी देती हैं नीतू के अनुसार रणबीर में कोई कमी नहीं है और वो एक कंप्लीट मैन है इसी वजह से वो उन्हें रेमंड बुलाती हैं एक मैगजीन के अनुसार रणबीर कपूर के गाल पर एक इंच लंबा चोट का निशान है जो उन्हें बाथरूम की तरफ दौड़ते हुए गिरने पर लगा था रणबीर कपूर ने एक बार गलती से आम, आफ्टर शेव लोशन पी लिया था जिसे तुरंत पेट से निकाला गया रणबीर कपूर को नेजल डिवियट सेप्टम नाम की बीमारी है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी बोलते हैं और खाते हैं रणबीर कपूर ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं और घर में पहले पहने जाने वाली स्लीपर भी वो इंटरनेशनल ब्रांड के ही पहनते हैं रणबीर कपूर के अनुसार वो बहुत ही इमोशनल हैं और जल्दी उनके आंसू निकल आते हैं एक इंटरव्यू में रणबीर ने कहा कि वो अक्सर रो देते हैं रणबीर कपूर की फिल्म बैकअप सिट की कहानी लिखी जा चुकी थी और उसका टाइटल निश्चित तो हो चुका था आई I मीन mean, नहीं हुआ था उस वक्त होने वाला था कहानी सुनने के बाद रणबीर ने ही मूवी का नाम वेकअप सेट रखा था फिल्मों में अभिनय के अलावा रणबीर चैरिटी कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं रणबीर कपूर महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के समर्थक हैं और शबाना आज़मी के एन जी ओ मिज़वान वेलफेयर सोसाइटी के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता के विज्ञापन में काम कर चुके हैं मूवी बर्फी में उनका किरदार शाली चैपलन और मिस्टर बीन से प्रभावित होकर लिखा गया था फिल्मों में अभिनय के अलावा रणबीर कपूर फुटबॉल में गहरी रुचि रखते हैं वो फुटबॉल को चैरिटी के आ, से जोड़ देते हैं रणबीर द ऑफ स्टार्स फुटबॉल क्लब के वॉइस कैप्टन हैं। ये क्लब चैरिटी के लिए मैच आयोजित करता है रणबीर कपूर को आत्मकथाएं पढ़ना बहुत ही पसंद है ऋषि कपूर की बतौर हीरो पहली मूवी बॉबी में टॉवल सीन था सयों की बात है कि रणबीर कपूर की पहली मूवी में भी टॉवल सीन था अपने एक इंटरव्यू में कैटरीना ने कहा कि किसी आइलैंड पर अकेले छूटने की दशा में वो रणबीर का साथ पसंद करेंगी रणबीर प्रोडक्शन कंपनी पिक्चर शोरू प्रोडक्शंस के को हैं और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम मुंबई सिटी एफसी के सब मालिक भी हैं रणबीर कपूर का नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया दीपिका पादुकोण से उनका ब्रेकअप हुआ बाद में वो कैटरीना के, के करीब आ गए इस समय आलिया भट्ट के साथ नज़दीकी सुर्खियाँ में नहीं थी उस वक्त आलिया का नामो निशान उनकी लाइफ में नहीं था सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल और पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा ढिल्लो ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दोनों मूवी से डेब्यू किया दोनों फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है यानी ये 2023 की बात है इस मूवी में राजवीर और पोलोमा के अलावा कई अहम कलाकारों ने अभिनय किया मूवी में आदित्य नंदा पूजन छाबरा कनिका कपूर और रोहन खुराना जैसे कलाकारों ने एक्ट किया वहीं अगर हम बात करें आदित्य नंदा की तो उन्होंने राजवीर और पोलमा की तरह दोनों फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है आदित्य इस मूवी से पहले वूड्स की वेब सीरीज़ कैंडी में नज़र आ चुके हैं और उनके साथ इस सीरीज में जाने माने एक्टर रोनित रॉय और फुकरे थ्री एक्ट्रेस रजा चड्डा नज़र आई थी वहीं आज डीएनए के साथ आदित्य ने खास बातचीत की है तो जो जानते हैं उनकी मूवी के डेब्यू एक्सपीरियंस के बारे में आदित्य से उनके किरदार के, के बारे में पूछा गया और साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि क्या उन्होंने दोनों फिल्म की तरह रियल लाइफ में कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वाली सिचुएशन का सामना किया है इस पर आदित्य बताते हैं कि मूवी की तरह वो कभी भी अपनी एक्स से वेडिंग में नहीं मिले हालांकि उन्होंने कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का सामना किया है इंटरव्यू के दौरान आदित्य संघ दोनों के लीड कैरेक्टर राजवीर को लेकर बात की गई आदित्य से पूछा गया कि क्या उनमें सनी देओल की झलक नजर आती है इस पर आदित्य ने कहा कि राजवीर ने अपने पापा सनी देओल की तरह ही आंखें पाई है उन्होंने बताया कि राजवीर बहुत ही हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है राजवीर में अपने पिता की पर्सनालिटी नज़र आती है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनी देओल मूवी दुनिया से अलग रियल लाइफ में काफ़ी हम्बल हैं और अपने आंखी किरदारों से एकदम एकदम अलग नज़र आते हैं इसके अलावा आदित्य ने बताया कि राजवीर ने जैसे की रोमांटिक ड्रामा से ही शुरुआत की है और इसी तरह के किरदारों में वो काफ़ी अच्छा करेंगे उन्होंने कहा कि वो बेहतरीन एक्टर हैं और देओल फैमिली की झलक उनमें नज़र आती है फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर बात करते हुए आदित्य ने बताया कि उन्हें ऋतिक रोशन बहुत पसंद है वो हर तरह से परफेक्ट है उन्होंने कहा कि ऋतिक रोशन एक्शन एक्टिंग पर्सनालिटी हर तरह से टेन ऑन टेन है साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऋतिक रोशन की मूवी सुपर थर्टी में एक्टर का किरदार उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आया है इस मूवी में ऋतिक एकदम अलग अंदाज में नजर आए हैं साथ ही किरदार उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा क्योंकि ऋतिक काफ़ी फेयर हैं और सभी चीज़ों पर काम करते हुए उन्होंने सुपर थर्टी में एक बेहतरीन टीचर का रोल अदा किया है इसके साथ ही उन्होंने फेवरेट एक्ट्रेस को लेकर बात की और उन्होंने बताया कि विद्या बालन उनकी सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस हैं क्योंकि वो कभी भी एक जॉनर में काम नहीं करती वो हमेशा ही अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करती हैं उन्होंने अलग अलग रोल प्ले किए हैं एक्टर का कहना है कि विद्या बालन अपने अलग अलग किरदारों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होती हैं न्यू कमर और फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव को लेकर बात करते हुए आदित्य ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का काम होता है लोगों को काम देना लेकिन उन्हें स्वीकार करना ऑडियंस का काम है आदित्य ने कहा कि जो एक्टर्स उन्हीं की तरह बाहर से आ रहे हैं उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा हालांकि इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उन्हें इन चीज़ों से हालांकि कोई घबराहट नहीं होती क्योंकि उनका मानना है कि आखिर में जनता ही है जो आपको एक बड़ा एक्टर बना सकती है इसके साथ ही आदित्य ने नेपोटिज्म पर भी बात की उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म की बात अक्सर ही लोग करते हैं आदित्य कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री है जिसके कारण इसके बारे में ज़्यादा बातें होती है हालांकि बाकी इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म हो रहा है लेकिन उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता है वहीं नेपोटिज़्म के कारण मिलने वाले मौक़ों को लेकर आदित्य ने कहा कि मौके कम नहीं होते मौके मिलते हैं उन्होंने कहा कि हर इंडस्ट्री के अपने फायदे और नुकसान होते हैं अगर उनके पिता इस इंडस्ट्री में होते बड़े डायरेक्टर या फिल्म मेकर होते और उनका मन करता फिल्मों में काम करने का तो बेशक उनके पिता उन्हें मौका देते आसानी से वो भी उन्होंने कहा कि हर फादर अपने बच्चों के लिए ये चीज़ सोचता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर करे उसे अच्छी लाइफ दे और चांस दे उन्होंने कहा कि एक एक्टर के तौर पर उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो अपने ऑडियंस को बेस्ट दें आदित्य नंदा ने फ्यूचर में नए रोल किरदारों को लेकर भी बात की उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऋतिक रोशन उन्हें इंस्पायर करते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह वो अलग अलग तरह के रोल करना चाहते हैं उन्होंने कहा वो ऐसा किरदार करना चाहती हैं जो हर पिछली मूवी के कैरेक्टर से अलग हो उन्होंने ड्रीम रोल को लेकर भी बात की एक्टर ने बताया कि वो दोनों फिल्म की तरह रोमांटिक ड्रामा टाइप जॉनर में काम करना पसंद करेंगे साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जवानी है दीवानी उनकी परफेक्ट मूवी है और दोनों उन्हें कुछ हद तक उसी तरह की वाइब देती है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आदित्य बताती हैं कि वो जल्द ही किसी बड़े बैनर की मूवी में नजर आएंगे इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अमेजॉन प्राइम की एक वेब सीरीज हाल ही में उन्होंने पूरी की है जो कि अगले साल यानी दो में रिलीज़ होगी हाल ही में दोनों से डेब्यू करने वाले एक्टर आदित्य नंदा फिलहाल अपनी अगली मूवी जिगरा की शूटिंग में बिजी हैं जिसमें बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट भी हैं ये भी पता चला है कि आलिया आई I मीन mean, आदित्य को उनकी पहली मूवी दोनों की रिलीज से पहले ही मिली थी ट्रिगरा के लिए साइन उन्हें पहले ही कर लिया गया था इस साल सितंबर में घोषित की गई इस मूवी का निर्देशन वासन बाला कर रहे यानी कि 2023 के सितंबर में से वो किया गया था अनाउंसमेंट हुई थी इस मूवी की एक करीबी सूत्र ने कहा हाँ अपनी पहली मूवी की रिलीज से पहले ही आदित्य को इस मूवी में शामिल कर लिया गया था वो उनकी पहली धर्मा फिल्म है वो महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक निभा रहे हैं और वर्तमान में वो पूरे जोरों शोरों से मूवी की शूटिंग कर रहे हैं मूवी का निर्माण करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और आलिया के अपने प्रोडक्शन हाउस इंटरनल सनशाइन द्वारा किया गया आलिया ने सितंबर 2023 में ट्रिगरा की घोषणा की थी जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया था उन्होंने कैप्शन में लिखा था पेश है ड्रिगरा, बेहद प्रतिभाशाली वासन बाला द्वारा निर्देशित और धर्मा मूवीज़ और एटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित धर्मा प्रोडक्शन में डेब्यू करने से लेकर अब उनके साथ एक फिल्म का निर्माण करने तक कई मायनों में ऐसा लगता है कि जहाँ से मैंने शुरुआत की थी वहाँ से फुल सर्कल पूरा कर लिया है हर दिन एक अलग दिन है रोमांचक है चैलेंजिंग है और न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक निर्माता के रूप में भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं और ज्यादा जानकारी शेयर करती रहूँगी बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने बड़े पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए हैं कुछ ने रोमांस किया तो वहीं कुछ हसीनाओं ने एक्शन सीन भी किए आज उन्हीं अभिनेत्रियों की बात करने जा रहे हैं जिनमें से कुछ अभिनेत्रियों ने फिल्मों और वेब सीरीज में एक्शन किया है तो कुछ अभी आने वाली फिल्मों में एक्शन करती नजर आएंगी आलिया भट्ट ने कुछ ही दिनों पहले अपनी आगामी मूवी वाई आर एफ की मूवी अल्फा का ऐलान सोशल मीडिया हैंडल पर किया था बहरहाल आलिया इन दिनों अल्फा की शूटिंग में बिजी है बता दें कि वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्सिटी में लीड पहली बार मूवी लेकर आ रहा है अल्फा रिपोर्ट्स के मुताबिक यश राज की स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म में आलिया एक सुपर एजेंट के किरदार में नज़र आने वाली हैं आलिया के साथ इस मूवी में मुंजिया अभिनेत्री शर्वरी वाघ भी नज़र आएंगी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आलिया और शर्वरी दोनों ही मूवी में ज़बरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी। मिसेस कपूर बन चुकी आलिया की फिल्मों को उनके फैंस को बेसब्री से इंतज़ार रहता है जो उनकी मूवी चॉइस है उसे देख हर किसी को यकीन रहता है कि आलिया जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़ेंगी वो सफल ही होगा इन दिनों बी टाउन की ये क्यूट और बबली एक्ट्रेस जिगरा मूवी को लेकर लाइमलाइट में हैं। इस मूवी का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही जारी किया गया जिसमें आलिया उस बहन के रोल में नजर आई जो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए रेडी है धर्मा प्रोडक्शन के पैनल तले बनी आलिया भट्ट की आने वाली मूवी जिगरा का टीजर रिलीज हो गया है टीजर में आलिया भट्ट के किरदार को देख फैंस को बेसब्री से इस मूवी का इंतजार है टीजर से साफ पता चल रहा है कि आलिया भट्ट की ये मूवी आपको इमोशनल करने वाली है साथ ही मूवी में दमदार करती भी नजर आएंगी मूवी में आलिया अपने भाई को बचाने के लिए जंग लड़ती दिखती हैं टीजर की शुरुआत में आलिया भट्ट एक रेस्टोर में बैठी नजर आती हैं वो किसी से अपनी कहानी शेयर करती सुनाई पड़ती हैं आलिया कहती हैं माँ को भगवान ले गए पापा ने खुद की जान ले ली दूर के रिश्तेदार ने पन्हा दी और भारी किराया वसूल लिया छोड़ो ना भाड़िया साहब कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत कम है टीजर में आलिया करीना है। है साल रिलीज हुई और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया इस साल उनकी दूसरी मूवी सिंघम अगेन आने वाली है जिसका फैंस भी सभी से इंतजार कर रहे हैं रोहित के निर्देशन में बनी मूवी सिंघम अगेन को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बज बना हुआ है इस मूवी में अजय देवगन करीना कपूर खान अर्जुन कपूर दीपिका पदुकोण रणवीर सिंह नजर आएंगे इस मल्टी स्टारर मूवी में करीना और दीपिका दोनों ही धासु एक्शन करते नजर आएंगे प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी आगामी मूवी अब बल्फ को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं इस मूवी में प्रियंका जमकर एक्शन करती नजर आएंगी हाल ही में प्रियंका ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी एक फोटो शेयर की थी और बताया था कि इस मूवी में एक्शन सीन करते वक्त उन्हें कितनी खरोच लगी वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रियंका किसी मूवी में एक्शन करती नजर आएंगी इससे पहले भी प्रियंका ने वेब सीरीज सिटाडल में जमकर एक्शन सीन्स किए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब वेब सीरीज सिटाडल के हिंदी रूपांतरण में समाधा रुत प्रभु और वरुण धवन की जोड़ी तहलका मचाती नजर आएगी इस सीरीज में समाधा जमकर एक्शन करती नजर आएगी वैसे पहले कई फिल्मों में समानथा एक्शन करती नजर आ चुकी हैं मूवी यशोदा में समानथा ने जमकर एक्शन किया था दिशा पार्टी अपने ग्लैमरस अंदाज के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए भी चर्चा में बनी रहती है दिशा सत्ताईस जून को रिलीज हुई मूवी कल की टू में रॉक्सी के कैरेक्टर में धमाकेदार एक्शन करती नजर आई थी दिशा वैसे भी कई फिल्मों में एक्शन का तड़का लगा चुकी हैं दिशा ने हाल ही में अपनी मूवी कल की टू एट नाइन एट ए डी का बीटीएस वीडियो शेयर किया था जिसमें वो गुंडों की पिटाई करती हुई दिखाई दी कैटरीना कैफ टाइगर की अब तक की तीनों फ्रेंचाइजी में बदमाशों की पिटाई करती है नजर आ चुकी हैं कैटरीना का टाइगर थ्री का टॉबल में एक्शन सीन काफ़ी चर्चा में रहा था मूवी में कैटरीना ने जम कर एक्शन सीन किए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए की कमाई की थी इस मूवी में कैटरीना के अलावा सलमान खान और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई थी हालांकि जिगरा टीजर में एक जगह मनोज बा का चेहरा दिखाया गया वहीं मनोज बाबा का किरदार आलिया को सलाह देता नज़र आता है अरे बच्चन नहीं बनना है बच कर निकलना है इसके बाद आलिया कहती नज़र आती हैं अब तो बच्चन ही बनना है आलिया की मूवी के इस टीजर पर फैंस कमेंट करते नजर आ रहे हैं और अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं एक इंस्टा यूजर ने लिखा नेशनल अवार्ड लीडिंग और कंगना की ड्रेलन लोडिंग वहीं एक दूसरी यूजर ने लिखा कि आलिया भट्ट सिनेमा वापस आ गया है मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है कि यूजर ने मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक पर कमेंट करते हुए लिखा उन्हें पूरे ट्रैक का वेट है बता दें इस मूवी के प्रोड्यूसर में आलिया भट्ट और उनकी बहन शाहीन भट्ट का भी नाम शामिल है

इस दौरान राहा ने न सिर्फ पाप्स को देखकर हाथ हिलाया, बल्कि अपनी दादी को को देखते ऐसा रिएक्शन दिया जो इंटरनेट पर पर वायरल हो गया। के के स्टार आलिया भट्ट और कपूर उनकी बेटी राहा साथ मुंबई एयरपोर्ट स्पॉट ने उन्हें एक बेहद क्यूट मोमेंट अपने कैमरे में कैप्चर करने का मौका दिया। बता दे कि जैसे ही एयरपोर्ट पर नीतू कपूर पहुंची, मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है रहा का ऐसा क्यूट अंदाज पहली बार सभी को देखने को मिला है रहा कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है इस दौरान रहा के लुक की बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी है जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही है इस वीडियो पर कमेंट कर फैंस रहा की क्यूटनेस की तारीफ करें इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा ऋषि कपूर का पुनर्जन्म एक ने लिखा बुरी नज़र ना लग जाए एक ने रहा के लिए फिक्र जताते हुए कहा कहीं बुरी नजर ना लग जाए ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं